जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं अपने असाइनमेंट से पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप टंकी का एक तरीका समझिए प्रैक्टिस सेशन है। इसके पहले वाले क्लास में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया हूं और मैं पहले ही बताया था कि मिक्स प्रोपोर्शन, टाइम वर्क और पाइप टंकी एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दूंगा। और कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक का बाप तो आप खुद ही बन सकते हैं, ये मैं पहले ही बोलता हूं। इससे पहले मैं अपने असाइनमेंट से रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोटर स्ट्रीम, मिक्स प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, ये सारे चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, सारे चैप्टर का मास्टर वीडियो दे चुका हूं, 2700 संपूर्ण सॉल्यूशन दे चुका हूं, जिससे बाहर एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में पूछ भी नहीं रहा है। और मेरे असाइनमेंट को पूरा बनाने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे या एसएससी, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और प्रीवियस भी आप बनाओगे तो 90% क्वेश्चन तो खुद ही उड़ा देना है। तो जरूर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये मेरा एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल करके कोर्स परचेज करके सिलसिलेवार ढंग से भी तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी धुआं धुआं कर सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन से भी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, या हमारा टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस जरूर ज्वाइन कर ले, बहुत सारे हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां से आपको पीडीएफ फ्री में रेगुलर मिलते रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक चलेंगे, देखते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला टाइप टू का। बोलिए सर, ये तो आप बेईमानी कर रहे हैं, टाइप एक बताया नहीं, टाइप टू का है बता रहे हैं। तो टाइप टू में लो लेवल से हाई लेवल तक है पाइप टंकी, मतलब मेरा मकसद क्या है, आपको सिखाना, 100% आपके दिमाग में छापना, यही मकसद है। आप सभी को आज तक डर लगता आया होगा पाइप टंकी से, लेकिन भरोसा करिए, मेरा बेसिक क्लास जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, आधा घंटा का लगभग है। उसके बाद एक मास्टर वीडियो भी हालांकि पाइप टंकी का मैंने दिया है। उसके बाद में इसमें 120 क्वेश्चन टाइप ए का दो मिला के मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगा, जबकि किसी बुक को उठाइएगा ना तो पाइप टंकी का 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं रहेगा। बहुत मेहनत करके ये सभी टाइप के क्वेश्चन को, जटिल से जटिल टाइप के क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। जो क्वेश्चन आज तक आपसे छूटता आया है वो क्वेश्चन भी आपसे थर थर नहीं कापा तो मेरा नाम भी हार के नहीं, बहुत मजा आएगा, आप अंत तक देख लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो एक्चुअल में टाइप टू में लो लेवल से हाई लेवल है, लेकिन टाइप वन में हम डाल दिए थे सभी जटिल जटिल क्वेश्चन, उलझे उलझे क्वेश्चन, लेकिन सभी को सुलझाना हम लोग का काम है ना जी। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार, दो नले ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों नले एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में। बोले सर ये तो हलवा है, ए बी समय ले रहा है, ये भरने में कई मिनट, 20 मिनट, ये कई मिनट, 30 मिनट, कमाल करते हैं। टाइमे वर्क से पढ़ते आ रहे हैं कि समय के उल्टा होता है क्षमता, क्या होता है क्षमता, तुरंत 30 इधर आया 20 इधर, दुगम उलटना आसान होता है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, 3:2, किसी एक को लेकर चलेंगे 60, किसी को लेकर चलिए, 3 का क्षमता से 20 60, 2 का क्षमता से 60। बोले सर ये तो फार्मूला से ही बन जाएगा, बहुत सारे लोग फार्मूला के चक्कर में रहते हैं, लेकिन ये मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है रेशियो वाला जो जटिल से जटिल क्वेश्चन को भी तोड़ देगा, टूटने पर मजबूर कर देता। किसी एक को लेकर चले लेफ्ट, दोनों मिल के, तो दोनों मिला तो दोनों के ताकत मिल जाएगा ना, 3×2 के क्षमता से कितना देर, टी मिनट, टी घंटा, जो भी, 5×12=60, 12 मिनट 68 तक, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर हो गया चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर दो, एकदम तूफान की तरह धड़ाधड़ उड़ाइए, दो नले एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 3 घंटे में भर देते हैं, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय। बोले सर 2 घंटे 3 घंटे, 3 इधर 2 इधर, 3:2, किसी एक को लेकर चलेंगे 6, दोनों साथ में चले तो 3×5 के क्षमता से टी घंटे, यानी टी बराबर 6/5, 6/5 दिया आंसर क्या, नहीं दिया तो 5 से भागा देंगे तो 1.5 घंटे लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 घंटे, और 1/5 को आप लिख सकते हैं 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट, टकाटक 1 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा, एकदम ताबड़तोड़, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, एकदम मजा आएगा, आनंद आएगा जब ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक्चुअल में मैथ पढ़ने में बोरिंग क्यों होता है, क्योंकि आपको समझ में कम आता है, आप प्रैक्टिस कम करते हैं, नहीं तो मैथ से इंटरेस्टिंग, मैथ से जादू, मैथ से आनंदित कोई टॉपिक ही नहीं है, रियलिटी यही है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ के अनुभव कर रहे होंगे, जरूर कमेंट करिएगा। कहता है
दो नले हैं और भी एक तालाब को 24 घंटे 30 घंटे में दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा, दो गो बता दिए। तीसरा सेम टाइप का है, ये रह गया आपके लिए ऑफर और पढ़ने और पढ़ाने का यही तरीका है। आप जितना हैंड प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा, आंसर जरूर कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा, एकदम सेम क्वेश्चन। दो नले और भी एक दो नले किसी हौज को अलग अलग 10 घंटे 15 घंटे में, वे मिलकर हौज को कितने घंटे में, कमाल का क्वेश्चन। ये भी रहा आपके लिए ऑफर धमाका, यही तो मजा है पढ़ने का, आंसर जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, धड़ाधड़ मारो। पाइप ए एक खाली टंकी 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में खाली कर सकता है। क्वेश्चन एकदम सेम पीछे वाला टाइप है, लेकिन यहाँ पे एक भर सकता है एक खाली कर सकता है, तो कौन बड़का बात बोल दिया। हम सभी पहले ही जानते हैं कि क्षमता तो वैसे ही निकालना, समय के उल्टा, समय के विलोम, लेकिन भरने वाला का क्षमता धनात्मक, खाली करने वाला का ऋणात्मक, तो कौन बड़ा चीज है ये, कौन नहीं समझेगा। कह रहा है पाइप ए ये 4 घंटे में भर सकता है, आरबी है जो 6 घंटे में खाली कर सकता है। अरे भाई कर तो दोनों काम ही रहा है ना, तो क्षमता तो 6 इधर 4 इधर, 2 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए इसको निगेटिव रखेंगे, माइनस। अब क्या बोल रहा है कि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल जाए, मतलब भरने वाला भी खोल दिया जाए खाली करने वाला भी, तो इसे भरने में कितना घंटा। बोले सर काम तो वही है जो दिया है लेफ्ट, जो ज्ञात करना राइट। 3 का क्षमता 4, 4 तिया 12 है, 2 का क्षमता 6, पूरा टंकी की क्षमता 12 है, दोनों को खोल दिया जाए तो ये 3 भरेगा ये 2 खाली करेगा, तो बचेगा कितना, एक ना बचेगा जी, ये 3 भरेगा वो 2 खाली कर ले जाएगा, तो हर घंटा एक बचेगा, तो एक के क्षमता से टी बराबर 12 घंटे। लो दो दना दन एकदम उड़ाई ले जाओ ना, देखो ना क्या तरीका से पढ़ाई होता है, एकदम दना दन एक एक क्वेश्चन उड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। एक नल किसी और को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 25 मिनट में खाली, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएगा। अभी 5 बताए ना, हो बहुत सेम क्वेश्चन है तो ऑफर तो बनता है भाई, ऑफर नहीं बनेगा तो मजा कैसे आएगा, आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, कमाल का क्वेश्चन है। देखिए ना उसी क्वेश्चन को, एक भरने वाला एक खाली करने वाला को क्या किया है ना, ये घुमाया है, सोचता है कि मूर्ख है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि हम लोग अपने इसको क्वेश्चन को पहले ही बोल देते हैं कि बेटा तू चलेगा दाढ़े दाढ़ता, हम चलेंगे पाते पात, थोड़ा सा हम पहले तेज है। कहता है एक नल पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। देखिए एक नल है ना जो 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल है ना जो 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो कौन बड़ा बात हो गया। देख लो क्षमता 60 इधर 40 इधर, 20 या 60, 20 दुनी 40, कमाल है, 20 दुनी 40। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, गलती से दूसरे नल के बिना बंद किए पहला नल खोल दिया गया, खाली टंकी कितने मिनट में भरेगी। तो यह बात ही नहीं बोल सकता था कि दोनों को एक के साथ खोल दिए, खाली भरे वाला भी खाली करे वाला। आप बोल रहा है कि दूसरा को बंद नहीं किया है, खाली करे वाला खुला है और पहला भी खोल दिया, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों खोल दिया, तो ये निगेटिव ना है, खाली कर रहा है तो बोल रहा है कितना देर में भरेगा। किसी एक को लेकर चलेंगे 120 कई के क्षमता से, तो बोले सर ये 3 भरेगा ये 2 खाली कर रहा है, क्योंकि उसको बिना बंद किए मतलब खाली करने वाला भी चल ही रहा है, मतलब एक तरीका सोचिए दोनों चल रहा है, तो ये 3 भरेगा 2 खाली बचा एक, तो कई मिनट टी मिनट, टी बराबर 120 मिनट लिख सकते हैं या तो फिर 2 घंटे लिख सकते हैं, जैसे ऑप्शन दे दो वैसे उड़ा दो, है ना, जैसा ऑप्शन मिल गया वैसे एकदम अटैक करो क्वेश्चन पर। कहा भी गया है कि जैसा गाल वैसा ही तमाचा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, धड़ाधड़ उड़ाते हैं। एक नल 20 मिनट में एक टंकी को भरता है, दूसरा नल इस टंकी को 12 मिनट में भरता है, वाह दोनों, पहला नल कई मिनट में 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा नल 12 मिनट में भरता है, ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना मिनट। बोले सर वही वाला ना हो गया, पीछे वाला क्वेश्चन ना, 12 इधर 20 इधर, तो 4 से 4 तिया 12, 4 5 20, किसी एक को लेकर चलेंगे 60 और दोनों को खोल दिया, दोनों तो भरना ही वाला है, 3 और 5 8 के क्षमता से टी बराबर, ये 15 चौक 60 कट जाएगा, ये 2 चौके 8, 15/2 7.5 मिनट, वाह कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, जब दोनों चल दिया तो 7.5 मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 9 भी तो आप बना सकते हो इसी वे में। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, इसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली, पहला 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा 4 घंटे में खाली, धड़ाधड़ हम लोग क्षमता निकालेंगे भाई, 4:5, 4:5, फिर से 5 घंटे में भर सकता है कोई दूसरा है जो 4 घंटे में खाली, तो 4 इधर 5 इधर, इसकी क्षमता -5 हो गया। अब सोच रहे हैं आप, खाली करने वाला का क्षमता ज्यादा है,
यानी जिस समय खुला उस समय से खाली होना शुरू। यहाँ जब खाली करने वाला का क्षमता ज्यादा रहेगा ना तो खाली करे के बात करेगा, भरे के बात नहीं करेगा। देखिए अंतिम में लिख रहा है, यदि टंकी पूर्णतः भारी हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो किसी एक को लेकर चलो, भरी हो या खाली हो, चार के क्षमता से पांच घंटा बीस या पांच के क्षमता से चार घंटा बीस भरा हुआ है, दोनों को खोल दिए तो ये बेचारा चार भरेगा, ये पांच खाली करेगा, तो एक के क्षमता से खाली होगा। जैसे यहाँ चार यहाँ पांच रहता तो एक के क्षमता से भरता, यहाँ ये चार भर रहा है पांच खाली कर रहा है, तो एक के क्षमता से खाली हो रहा है, तो एक के क्षमता से कितना दे टी टी बराबर बीस घंटा, यानी पूरे भरे भरे हुए दोनों खोल दिया जाए तो बीस घंटे में खाली होगा। एकदम धड़ाधड़ बनेगा जी, डरने की कहीं पर से कोई बात ही नहीं है। आज तक आप इसलिए डर रहे थे क्योंकि आपको इस तरीका से कॉन्सेप्ट का आपको मुलाकात नहीं हुआ होगा। मैथ डरना चाहिए, मैथ में इतनी औकात नहीं है कि इंसान को डरा दे, वो भी आप जैसे जीनियस को डरा दे। हमारे रहते हुए दौड़ा दौड़ा के मारेंगे साले को एक एक गो के, क्योंकि पहले ही कह दिए कि बड़ा अकड़ हो बेटा तोरा में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन नंबर 10। मजा है मजा। नल ए बी सी मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। वाह, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा भी कॉन्सेप्ट बताए। कई मिनट में? 10 मिनट में। अब देख लो, ए अकेले कई मिनट में? तो 30 मिनट में। ए अकेले 30 मिनट में, और बोल रहा है बी अकेले कई मिनट में? तो 40 मिनट में। कमाल है भाई, बी अकेले कई मिनट में? 40 मिनट में। तो बोल रहा है सी अकेले, तो बोले सर कौन बड़ा बात बोल दिया, टाइम वर्क में तो ऐसा क्वेश्चन एकदम धमाधम उड़ाए हैं। यहाँ देखो, 10 मिनट 30 मिनट 40 मिनट, दो गो में तो राइट लेफ्ट कर लेते हैं, तीन गो में तो तीन गो में उल्टेंगे ऐसे, एक बटा 10, एक बटा 30, एक बटा 40, तो केरा फुर्सत है ये सब करके, ही बताओ समय बचाना है ना। ऐसे भी उल्टेंगे तो हरों का एलसीएम से गुना ही करना पड़ेगा, तो काहे नहीं 10 30 और 40 का डायरेक्ट एलसीएम। तो बोले सर 10 40 का एलसीएम कितना होगा? 120। 10 से 12 बार में, 30 से 4 बार में, 40 से 3 बार में, तो ए बी सी तीनों का क्षमता है 12, ए का क्षमता 4, बी का 3, तो सी का 5 होगा। किसी में हिम्मत है तो मना करके देख लो, क्योंकि ए बी सी 12 है, 4 3 7 5 12 हुआ ना। तो वही बोल रहा है कि सी अकेले कितना देर में भर सकता है। तो बोले सर कौन बड़ा बात है, किसी एक को लेकर चले 120, सी का क्षमता 5 है, टी 5 से कई बार में 24, यानी कि सी अकेले 24 मिनट में आराम से भर देगा। ऑप्शन मिला लो 24 मिनट, 10वां का आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी दो नल हैं जो अलग अलग क्रम से 10 मिनट, ए और बी, ये 10 मिनट है, ये कई मिनट है? 20 मिनट है। 10 मिनट 20 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। तल में लीकेज के कारण भरा हुआ टैंक 40 मिनट में खाली हो जाता है, मतलब कि तल में लीकेज है, आरंभ में टैंक खाली है, तो दोनों नलों को टैंक भरने में कितना समय लगेगा। सोचिए कि लीकेज एक है, मान लीजिए सी है जो लीकेज है, यदि ई चलते रहा ना तो 40 मिनट में ही खाली कर देगा। हमने क्वेश्चन ही करा कि तल में लीकेज के कारण भरा हुआ टैंक 40 मिनट में खाली हो जाएगा। तो बोले सर पहले तो क्षमता निकाले, लीकेज का भी तो अपना क्षमता, 1/10, 1/20, 1/40, एलसीएम तो फिर वही हो जाएगा हम लोग का कितना, 80 नहीं, 40 भी तो हो ही रहा, क्योंकि 10 20 40 का एलसीएम 40, तो 10 चौका 40, 20 दूनी 40, 40 का 40, लेकिन ये लीकेज है खाली करने वाला, किसी एक को लेकर चलेंगे तो पूरा भरा हुआ है कितना 40, तो आराम में टैंक खाली है, तो दोनों नलों को टैंक भरने में कितना समय। तो खाली है तो भी तो इतना ही भरना पड़ेगा 40 ही, क्योंकि क्षमता 40 है, कोई एगो लीजिए 40। अब आराम में खाली है, अब ये दोनों तो चल रहा है ठीक है ना, तो ये दोनों नल को भरने में कितना समय लगेगा। तो बोले सर ये दोनों तो चल रहा है और ये खाली भी तो कर रहा है, ओ ऐसे पूछ रहा है कि आराम में टैंक खाली है, तो खाली है तो भरना इतना है, खाली है तो आराम में टैंक खाली है, तो दोनों नलों को टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो बोले सर दोनों नलों को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो भरेगा और ये लीकेज वो ना चल रहा है, लीकेज है वो नल नहीं है, लीकेज है। तो बोले सर 4 2 6, ये 4 भरेगा, ये 2 भरेगा, ये खाली कर देगा क्योंकि लीकेज है ठीक है ना। तो बोले सर बचा 5 है ना, तो 5 के क्षमता से टी, 5 से 8 5 है 40, यानी कि हम कह सकते हैं 8 मिनट में दोनों नल चलेगा, तो 8 मिनट में। कुछ बुझाया? फिर से आइए, ये 10 मिनट में 20 मिनट में भर सकता है, 40 मिनट में लीकेज है जो खाली कर सकता है, क्षमता निकल गया। अब दोनों नल खाली टैंक खोल दिया जाए, तो ये दोनों तो खोले, लेकिन ये लीकेज है जो खोले की जरूरत नहीं, वो अपने आप लीकेज है ठीक है ना,
समझना था बस, कॉमन सेंस। तो ये चार भरेगा, दो छह भरेगा, आई एक लीकेज से खाली होता जाएगा, पांच के क्षमता स्टी, आठ मिनट में भरेगा, दोनों चलेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। तीन नल एबी से एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, मतलब तीनों चल रहा है तो 6 घंटे में, 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं, केवल सी खाली टंकी को भरने में मजा अब आया। जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, एक्साइटेड हो जाओ कि मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि नया चीज सीखेंगे। इजी इजी जो आ रहा है तो आ ही रहा है, बीबीआई क्वेश्चन है, और टाइम वर्क में स्पेशल करके मैं ऐसा क्वेश्चन छाट के बताया हूं, स्पेशल लास्ट वाला जो टाइप उसमें है, कम से कम 10 क्वेश्चन स्पेशल बताया हूं। यहां देखिए, एबीसी एक खाली टंकी को कई घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में, तो 6 घंटे में भरते हैं, ठीक है ना, लेकिन बोल रहा है 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, मतलब एबीसी तीनों रेगुलर चलेगा तो 6 घंटा, लेकिन 2 घंटा चला तो बचा कई घंटा, 4 घंटा, क्योंकि 2 घंटे बाद सी को बंद हुआ तो 2 घंटा तो दोनों चला होगा, यानी कि अभी से भी 2 घंटा बीत गया, तीनों चलते रहता तो शेष भाग को भरने में 4 घंटा लगता, लेकिन 2 घंटा के बाद सी बंद हो गया तो सिर्फ बचा ए और बी, तो जो चीज तीनों मिलकर 4 घंटा में भर सकता था उसको ए और बी ने भरने में लिया 7 घंटा, तो उसी को इसलिए बराबर दे दिए। तो आप पूछ रहा है कि सी अकेले केवल सी खाली टैंक को भरने में कितना समय, एक बार समझिए, एकदम मजे से समझिए, ए बी सी तीनों मिलकर 6 घंटा में भर देता है, लेकिन भरा नहीं, तीनों को हम 2 घंटा साथ में चलाए, तो बोले सर कौन बड़ा बात है, अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि 6 घंटा भर सकता है, 2 घंटा साथ में चलाया, 4 घंटा और बचा, यानी यही तीनों चलते रहता तो 4 घंटा में शेष भाग को भर देता, लेकिन जब सी बंद हो गया तो ए और बी उसी भाग को, इसलिए यहां पर बराबर दिए, उसी भाग को 7 घंटा में भरा। अब सोचिए 2 या 2 से अधिक राशि बराबर तो कोफिशियंट उलटता है, उलटता है तो ए प्लस बी प्लस सी, और इधर ए प्लस बी, इधर 7 उधर 4। अब सोचिए एबीसी का क्षमता 7 है, ए बी 4 है, तो सी 3 होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि केवल सी कितना देर में भरेगा, तो ऐसा स्थिति में हमेशा उसी का लेके चलिए जिसका पूरा समय दिया हुआ। तो बोला ए बी सी तीनों मिलकर 6 घंटा में भर ही रहा था, तो ए बी सी का क्षमता 7 है, 7 का क्षमता 6 घंटा में, तो सी अकेले 3 का क्षमता 3 घंटा में, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 घंटे, टकाटक। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट को कंफ्यूज करके रख देते हैं, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन ही मिलेगा ना आपको कि कंफ्यूजन की कहीं पर जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूजन का कहीं पर संदेह ही नहीं है कि कंफ्यूजन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बना देता है, ये बात ध्यान रखिए, प्रैक्टिस इंसान को फौलाद बना सकता है, ये बात हमेशा याद रखिए। किसी भी चीज को सीखना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसको आगे बरकरार रखना, उसमें एक्सपीरियंस होना, उसमें स्पीड लाना सबसे बड़ी बात है, और इसके लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, केवल और केवल लगातार प्रैक्टिस। देखते हैं नेक्स्ट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। दो नले किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में भरते हैं, तीसरा नल 8 घंटे में उसे खाली करते हैं, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। ये तो आपको बोलना चाहिए कि सर छोड़ दीजिए बना लेंगे, क्योंकि बड़ा ही सिंपल है, ये 10 घंटे में भर सकते हैं भाई, ये 15 घंटे में भर सकते हैं, और ये 8 घंटे में खाली कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, क्षमता निकाल लो, 1/10, 1/15, 1/8, एलसीएम 120 होगा, तो 12 दहें 15/8 और यहाँ से 15/8, ठीक है ना, यहाँ पे ये माइनस होगा क्योंकि खाली करने वाला है, किसी एक को लेके चलिए, 12 की क्षमता 10 घंटा 120, 8 की क्षमता 15 घंटा 120, अब तीनों को खोल दिए तो 12/8 20, 20 में से 15 घटा, 5 ना बचा, तो कितना देर टी, 5 से 24 बचे, यानी जब तीनों चलेगा तो 24 घंटे में भर जाएगा, ऑप्शन मिला लो 24 घंटे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14, मजेदार। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है, टंकी में पानी चूने से, वाह स्पेशल टाइप बताए थे जी, टाइप 2 में छिद्र के कारण, रिसाव के कारण, पानी चूने के कारण, याद आया होगा ना, अभी देखिए कैसे, और इसको धुआं उड़ाते हैं। एक पंप मान लिया, कोई एक कोई पंप है या नल है जो 2 घंटे में टंकी को भर देता है, टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2/1/3 घंटा, पानी चूने का मतलब है ए तो भर रहा है, लेकिन बी एक कोई छिद्र होगा, रिसाव होगा, या नीचे वाला नल होगा जिससे पानी चू रहा है, बल्कि कितनों क्षमता से चूहे पानी तो चू रहा है, यानी इससे पानी चूने के कारण पानी चू रहा है, मतलब खाली हो रहा है इससे, ठीक है, पानी चूने के कारण भरने में 2/1/3 घंटे लगते हैं,
मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 घंटे लग रहे हैं और 3 × 2 = 6 = 7/3 घंटे लग रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे, 7/3 को उधर और 2 को उधर ले जाएंगे तो 7 इधर रह जाएगा और 6 उधर हो जाएगा, 3 × 2 = 6 उधर उलट के हो जाएगा ना, 7:6 हो जाएगा। अब सोचिए ए का अकेले का क्षमता 7 है, ए और बी का क्षमता 6 है, तो ये पानी चूने वाला जो है इसका क्षमता -1 होगा। और मैं आपको पहले ही बता दिया था ये वाला टाइप बताते समय कि अभी तक लाइफ में जितना भी हम पानी चूने छिद्र और रिसाव वाला बनाए उसमें रिसाव या छिद्र का क्षमता -1। तो यहां देख लो ए का क्षमता 7 हो गया, ए और बी का 6, जबकि बी आना चाहिए तो बढ़ना चाहिए, घट गया, यानी बी का क्षमता -1। तो वही बोल रहा है छिद्र के कारण कितना देर में खाली, किस 1 को लेकर चलेंगे तो 14 आएगा, तो 1 के क्षमता से टी बराबर 14 घंटा है, तो 14 घंटे में, यानी कि चूने के कारण 14 घंटे में खाली हो जाएगा। बोले सर यहाँ माइनस है, क्या माइनस काहे नहीं दिए, तो भाई साहब माइनस सिर्फ ही शो करता है कि टंकी खाली कर रहा है, जब हम लिखिए रहे हैं कि 14 घंटा में खाली तो कौन बड़ा बात हो गया जी, 14 घंटा में खाली हो जाएगा। ऑप्शन मिला लो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। पाइपें, पाइपें मतलब नलें, 2 नल है ए और बी, टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा सी है जो 1 घंटा में खाली कर सकता है। तो बोले सर इसको 20 मिनट इसको 30 मिनट लिखते हैं, तो इसको 60 मिनट में लिखना होगा क्योंकि मिनट में है तो सबको मिनट में लिखे, 1 घंटा नहीं लिखेंगे, 1 घंटा को 60 मिनट लिख दिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो निगेटिव इंडिकेट कर देंगे, कौन बड़ा बात है। अब बोला तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय, आप तो बोलिए कि छोड़ दीजिए सर बनना चाहिए क्षमता 1/20 / 1/30 / 1/60 एलसीएम 60, 20 × 60, 30 × 2 = 60, 60 × 1 = 60, लेकिन ये खाली कर रहा है, किसी एक को लेकर चलेंगे 60, तीनों मिलकर चलेगा तो 3 × 2 = 5 भरेगा, ये खाली बचा 4 के क्षमता 60 मिनट, 15 × 4 = 60, 15 मिनट में धड़ाधड़ टंकी भर जाएगा। ऑप्शन मिला लो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। 2 नाले एक हाउस को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं, एक निकास नाल 2 घंटे में खाली, तीनों नाल को एक साथ खोल दिया जाए, हुबहू सेम 15, इसलिए ये तो ऑफर बनता है, इसका आंसर एकदम धड़ाधड़ कमेंट करें। देखते हैं कितना बच्चा एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं, एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन साथ में लेके पढ़ रहे हैं, आंसर बना रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मजा आ रहा है, नहीं तो फिर बेकार में वीडियो देखने से क्या फायदा है। पढ़ना है, जिम्मेवारी के साथ पढ़ो, जिस काम में हाथ लगा दो धुआं धुआं कर दो, नहीं तो हाथ ही मत लगाओ, लेकिन हाँ एक बार उस पर पढ़ जाओ तो जब तक तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं, बात ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, आपके सामने ही सब कुछ है ही नहीं, बस आप झूठ मूठ का डरते रहते हैं। तो इसका आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। 2 पाइपें लिख दिया, 2 पाइपें ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 50 मिनट में भर सकते हैं, टंकी की तली में उसको खाली करने एक साथ तीसरा पाइप लगा हुआ है, यदि तीनों पाइपें एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में भरती है। सोचिए क्या कमाल का क्वेश्चन है, ए जो है 60 मिनट में भर सकता है, बी अकेले चलेगा तो 75 मिनट में भर सकता है, एक सी भी है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी खाली करे वाला है, निकासी पाइप है, ठीक है ना, निकास करने के लिए उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा हुआ है, तीनों जब खुला है तो 50 मिनट। तो अब बोल रहा है क्या कि अकेला पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, ये खाली करे वाला। तो बोले सर कौन बड़ा बात है, 1/50 / 1/60 / 1/75 का एलसीएम 300 होगा, इतना तो माइंड में कर ही लोगे ना, 300 होगा तो 6 बार में 5 बार में और ये 4 बार में, तो सी का क्षमता। तो बोले सर ए बी सी तीनों का क्षमता 6 है, जिसमें ए 5 और बी 4, तो 5 × 4 = 9, तो यही दोनों हो गया, सी निकाले तो और बढ़ना चाहिए, तो 5 × 4 = 9 = 6 हो गया, यानी 3 घट गया, वैसे भी सी खाली करे वाला है, तो सी का क्षमता -3। अब बोल रहा है अकेले सी कितना देर में खाली कर देगा, किसी एक को लेकर चलो 300, तो 3 के क्षमता से टी मिनट में खाली, 3 से 100 बार में कट गया, यानी अकेले सी चलेगा 100 मिनट में धड़ाधड़ खाली। ऑप्शन मिला लो, हम लोग का आंसर हो गया 100 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। कमाल है, किसी हाउस को पाइप ए 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 8 घंटे में, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद किया जाए तो हाउस के शेष भाग को भरने में बी, तो कौन बड़ा बात है, टाइम वर्क में नहीं पढ़े थे कि बी बीच ही में छोड़ के चला जाए, तो कौन बड़ा कांड कर दिया, तुरंत ना उड़ाते हैं इसको, ए बी, ए कई घंटे में 6 घंटे में, बी कई घंटे में भर सकता है 8 घंटे में, किसी एक को लेके चलिए, पहले तो हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं, 8 इधर 6 इधर
दो से कट जाएगा, चार दूनी आठ, तीन दूनी छः, किसी एक को लेकर चलेंगे 24, किसी एक को लेकर चलेंगे 24। बोल रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु दो घंटे बाद एक को बंद करते हैं। तो दोनों को जब हम खोलेंगे, चार तीन सात, सात के क्षमता से दो घंटा तो चला होगा साथ में, उसके बाद ए बंद हो गया। तो आप बोल रहा है कि हौज को शेष भाग भरने में बी कितना समय, तो बी का क्षमता बचा तीन, तो तीन के क्षमता से शेष भाग भरने में टी, ठीक है। सात दूनी चौदह इधर आके घटेगा तो थ्री टी बराबर बच जाएगा दस, यानी टी बराबर दस बटा तीन, यानी तीन 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 पूर्णांक एक बटा तीन घंटे, या इसको मिनट में लिखेंगे तो तीन घंटे बीस मिनट लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या, शेष को बी कितना देर में। यदि बोलता कि पूरा टंकी भरने में टोटल टाइम कितना लगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो बोले सर दो घंटा पहले चला था, फिर शेष को बी तीन पूर्णांक एक बटा तीन घंटा, यानी पांच पूर्णांक एक बटा तीन घंटा लगा पूरा टंकी भरने में, लेकिन शेष पूछ रहा है तो यहाँ आंसर यही हो जाएगा, तीन पूर्णांक एक बटा तीन घंटा। पूरे तरीका से निचोड़ के बताऊंगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन नंबर 19। दो पाइपे यदि एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट में भर सकते हैं और एक नल टंकी को 20 मिनट में खाली, तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय, खाली करने वाला को माइनस रखेंगे भाई, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। यह आपके लिए रह गया ऑफर धमाका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 तक पहुंच गए हैं तो बहुत जल्दी और एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा और इसका अंत करके ही छोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट पहले भी किए थे कि सपोर्ट करिए, हमें टूटने ना दीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करिए, क्योंकि अभी चूंकि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास देता हूँ तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, दो घंटे का क्लास में चार पाँच घंटे मेहनत करने पड़ते हैं, तब आपका मैं समय बचा पाता हूँ। यदि मैंने वादा किया कि 100 के जिस दिन पूरा हो गया डिजिटल सेटअप लाइव क्लास होगा, और आप सभी स्टूडेंट पावर नहीं दिखा रहे हैं इसलिए स्लो शेयर हो रहा है, जिस दिन आप स्टूडेंट पावर दिखा लिए ना, 10 दिन के अंदर 100 के पूरा कर दीजिएगा। 20,000 से ऊपर बच्चा जुड़ा हुआ, एक बच्चा पांच आदमी को नहीं जोड़ सकता है क्या, पांच बंदे को पहुंचाओ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, ताकि और मैं बेटर करूं। अभी एकदम धड़ाधड़ ग्रुप बाई ग्रुप शेयर करो, 1 मंथ टारगेट दिए हैं 31 जनवरी 2021 तक, ताकि अगला दिन से एकदम सेटअप चेंज, नया तरीका लाइव क्लास। जिस दिन देखिए मैं दो दो घंटे का दो क्लास देता हूं डेली, तो मुझे 10 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं। आप जिस दिन सोचे कि 10 घंटा मैं लाइव मेहनत कर दिया ना, सोचे कि आप कहां रहिएगा। किसी भी मैथ का, चाहे तो एसएससी सीजीएल लेवल का हो या रेलवे का किसी भी एग्जाम के लेवल का हो, किसी स्टेट लेवल का हो, कोई मैथ का औकात नहीं होगा जो आपके सामने आंख उठाएगा। आप मैथ का बाप बनिएगा, बाप बादशाह बनिएगा, लेकिन प्लीज सपोर्ट करिए, अभी मौका है, धड़ाधड़ शेयर करें, स्टूडेंट पावर दिखाएं। मात्र 5 स्टूडेंट को जोड़ना है तो तुरंत स्टूडेंट पढ़ जाएगा, सो प्लीज जरूर से जरूर। आइए देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। पाइप ए किसी पानी की टंकी को 24 मिनट में भरता है, उस टंकी को पाइप बी पाइप ए की तुलना में 7 गुनी तेजी से, वाह 7 गुनी तेजी से कब भरेगा, जब उसका क्षमता ज्यादा रहेगा, तो ऐसा स्पेशल टाइप टाइम वर्क में भी पढ़ाए थे। बोल रहा है क्या, ए किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है, ए का तो समय दे ले, उसी टंकी को पाइप बी पाइप ए की तुलना में 7 गुनी तेजी से भरता है, समझते हैं आप, बी जो है ए की तुलना में 7 गुनी तेजी से भर रहा है, यानी उसका क्षमता 7 गुना है ए की तुलना में, तो 7 गुना 8 गुना 4 गुना 3 गुना रहे तो उसको एक मानेंगे, और बी जो है ए की तुलना में 7 गुना है, उसी टंकी को पाइप बी पाइप ए की तुलना में 7 गुना तेजी से भरता है, दोनों पाइपें खोल दिए जाए तो खाली टंकी को पूरा भरने में, तो बोलिया कि सर क्षमता निकलिए गया, और ए के बारे में दिया हुआ है कि ये 24 मिनट में भर सकता है, ए का क्षमता एक है, ए का क्षमता 24 मिनट, अब दोनों एक और साथ आठ के क्षमता से टी मिनट, 8 3 24, यानी जब दोनों खुला हुआ रहेगा ना धड़ाधड़ 3 मिनट में भर जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखने में तो लंबा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन लंबा लंबा दूरी तक दौड़ा के मारेंगे। एक टंकी में दो पाइपे लगे हुए हैं, एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में खाली, तो बड़का जुलूम हो गया जी, ये 8 घंटे में भर रहा है, वो 5 घंटे में खाली कर रहा है, लगता है खाली हो गई, 5 घंटे में ये खाली कर रहा है, कौन बड़ा बात हो गया। और है तो बोल रहा है क्या, दूसरा 5 घंटे में खाली, यदि टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगा। बोले सर क्षमता निकाल लेते हैं, इधर 5 इधर 8, ऐसे भी खाली करे वाला की क्षमता ज़्यादा है तो टंकी तो खाली ना होगा, किसी एक को लेकर चलेंगे 8 5 40, लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं है, पूरा भरा हुआ रहता तब 40 लेके। बोल रहा है कि यह टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ रहेगा उसी का ना खाली करना है, तो ये पूरा टंकी का क्षमता हुआ, इसका 3/4 भरा हुआ है, अब इसको खाली करना है,
दोनों चल रहा है, 5 भर रहा है, 8 खाली। तो बोले सर 3 खाली हो रहा है, 3 खाली हो रहा है। तो बोल रहा है कितना घंटा लेगा, टी घंटा काट दो, 3 से 3 4 से 10 बार में, यानी टी बराबर 10 घंटे, यानी दोनों चलेगा ना, तो 3/4 भाग खाली करने में 10 घंटे। टकाटक आंसर आ गया, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। एक नल की सी टंकी को 6 घंटे में भर सकती है, जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। ऐसा प्रीवियस में भी आया था जी, यूथ वाला पूरा सॉल्यूशन दिया, उसमें भी टंकी को पूरा भरने में कितना समय। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, ऐसा वाला बार बार पूछता है। तो यही क्वेश्चन, ऐसे तो इसको हम लोग बना सकते हैं बिना लिखे हुए, लेकिन पहले लिख के सीख लेते हैं। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 6 घंटे में, मतलब पूरा भरने में समय लग रहा है कई घंटे, 6 घंटे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकती है, मतलब एक ही नल लगातार चलते रहेगा टंकी में तो 6 घंटा लगेगा भाई, ये क्लियर है। जब टंकी आधी भर जाती है, तो जब आधी भर जाती है मतलब आप क्या समझ रहे हैं, तो बोलिए सर पूरी भरने में 6 घंटा ले रहा है, तो निश्चित है आधी भरने में तो 3 घंटा लिया होगा। जब आधी भर जाती है यानी आप कह सकते हैं कि 3 घंटे बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में। तो बोलिया कि सर ये कौन बड़ा कहानी हो गया, पूरा भरते हम एक के नल से तो 6 घंटा, आधा भर दिए तो 3 घंटा तो समय लग ही गया। अब यदि यही नल चलते रहता तो 3 घंटा और लगता, लेकिन इसी प्रकार के 3 नल और खुल गया था, 4 नल ना हो गया जी, 4 नल ना हो गया, तो 4 नल हो गया तो अब कई घंटा, तब ले सर जो 3 घंटा बच रहा है वो 4 भाग में बढ़ जाए। कमाल करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक के नल रहता था तो 3 घंटा और लगता, क्योंकि आधा भरे में 3 घंटा लिया, लेकिन एक नाला 3 नाला और आ गया 4 नल, तो टी घंटा, टी बराबर 3/4, मतलब जो 3 घंटा लगता है वो 4 नल है तो 4 भाग में बढ़ जाएगा समय। तो यानी आप इसको कह सकते हैं 45 मिनट, आप 60 से गुना करिए ना 3/4 को, 45 मिनट। तो फिर से पूरा टंकी एक ही नल भरता तो 6 घंटा, लेकिन आधा भर दिया तो 3 घंटा लग गया होगा, उसके बाद वैसा वैसा 3 नल और आया तो 4 नल मिलकर आधा 45 मिनट में भर दिया, यानी पूरा भरने में अब लगा जाके 3 घंटे 45 मिनट। कमाल का क्वेश्चन, कमाल का कॉन्सेप्ट बार बार आएगा, 3 घंटे 45 मिनट। फिर से आइए, आप बिना लिखे कैसे बना सकते थे, तुरंत क्वेश्चन पढ़े कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकती है जब टंकी आधी भर गई, माइंड में क्लिक किया कि पूरा भरे में 6 घंटा तो आधा भरे में 3 घंटा, 3 घंटा खत्म हो गया, अब आधा और बच रहा है, आधा भरा तो आधे ना भर रहा है, इसी प्रकार के 3 नाला खुल गए तो 1 नाला 3 4 नल, अब 3 घंटा आधा भरने में और लगता तो 3 घंटा को 4 भाग में बांट देंगे 45 मिनट, यानी आधा भरे में 3 घंटा, आधा भरे में 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट। टकाटक चुटकियों में आंसर मारो, क्लिक करो, आगे बढ़ो। तो यहां पर 3 घंटे 45 मिनट ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। ए और बी दो पाइपों एक हाउस को क्रमशः 20 मिनट 25 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट के बाद एक पाइप को बंद कर दिया जाता है, हाउस भरने में लगने वाला समय। तो यहां पे ए को बंद करना चाहिए, लिखना चाहिए जो छूट गया है, ए और बी अकेले अकेले कई मिनट, 20 मिनट 25 मिनट, इधर आएगा 25 इधर 20, पचे 25 5 4 20, किसी एक को लेकर चलेंगे 100, दोनों को खोला गया तो 5 4 9, 9 के क्षमता से कई मिनट चला, 5 मिनट। 5 मिनट के बाद यहाँ पे लिखना चाहिए क्या कि एक पाइप को बंद किया जाता है, यहाँ पे लिखना चाहिए कि पाइप बी को बंद किया जाता है, पाइप बी को बंद किया जाता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा पाइप बी को बंद किया जाता है, ठीक है, पाइप बी को बंद किया जाता है। तो बोलिया कि सर 5 घंटा तो पहले चला, फिर बी बंद हो गया तो बचा ए, 5 के क्षमता से टी, 9 5 45 इधर आ जाएगा तो 5t = 55, क्योंकि 100 में 45 घंटे 55, 11 5 55 11 मिनट है तो मिनट, घंटे है तो घंटे, 11 मिनट। यदि पूछता कि बी को 5 मिनट बाद बंद किया तो शेष को ए कितना देर में, तो आंसर 11 मिनट, लेकिन पूछ रहा हाउस भरने में लगने वाला समय, मतलब समझ जाए कि आपसे टोटल टाइम ही पूछना चाह रहा है, टोटल टाइम। तो बोलिए कि सर 5 मिनट दोनों मिल के चला है, फिर बी बंद हो गया तो 11 मिनट ही चला, 11 5 16 मिनट। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो यहां पर बी बंद कर दिया तो शेष को ए भरने में, तो ए का क्षमता 5 है, टी 11 मिनट, शेष पूछता तो 11 मिनट, लेकिन पूछ रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय, तो 5 मिनट पहले भी तो चला है तो 16 मिनट, ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। मजा है, दो नाली और भी एक टंकी को 15 एवं 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा सी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकते हैं। प्रारंभ से तीनों नाले खोले जाते हैं, 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, टंकी कितने समय में भर जाएगी। फिर वही वाला बात हो गया, एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये 15 घंटे हैं, 20 घंटे हैं, ये दोनों भरने वाले हैं, ये 25 घंटे में खाली करने वाले। क्षमता निकाल लेता हूँ, 1/15, 1/20, 1/25 लेके चलिए, एलसीएम 300 होगा। 15 से कई बार में 20 बार में, 20 से 15 बार में और 25 से 12 बार में, लेकिन ई माइनस हो जाएगा, खाली कर रहा है। अब किसी एक को लेके चलो 300, ठीक है ना, किसी एक को लेके चलो, किसी को लेफ्ट में 300, अब राइट में आ जाओ, एकदम मजा है। क्या कह रहा है कि प्रारंभ में तीनों नल को खोला गया, तो बोले सर तीनों खोला गया मतलब 20 भरेगा 15 भरेगा, तो 20 और 15 35 भरेगा और 12 खाली, 35 भरेगा 12 खाली, बच गया 23। कितना बचा? 23। 10 घंटे बाद तो आप सोचते हैं तीनों को खोल दिया, 10 घंटे बाद सी को बंद किया, तो 10 घंटा तक तो चला ना जी, तो 10 घंटा मतलब 10 से गुना, अब सी को बंद किया, खाली करने वाला बंद हो गया, तो अब सिर्फ ये दोनों भरे वाला, तो 20 और 15 35 के क्षमता से टी घंटा यहां से लेगा, 230 इधर आएगा, तो 35 टी बराबर कितना? तो बोले सर 35 टी बराबर बच जाएगा हम लोग का 70, क्योंकि 300 में 230 आके घटेगा, 35 दूनी 70, 2 घंटे। यदि पूछता कि 10 घंटे के बाद जब हम सी को बंद कर दिए तो शेष भाग को ए और बी मिलके कितना देर में? तो 2 घंटा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां सीधे पूछ रहा है कि टंकी भरने में कितना समय लगा, मतलब आप समझते हैं टोटल टाइम आपसे ही पूछना चाह रहा है। तो टोटल टाइम बोलिए कि सर जी 10 घंटा पहले तीनों को चलाया और 2 घंटा फिर बाद में लगा, यानी हम कह सकते हैं पूरा टंकी को भरने में लग गया 12 घंटे। टकाटक कितना बड़ा क्वेश्चन देगा जी, 12 घंटे ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 25। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली। लो ये 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा जो है 50 मिनट में खाली कर सकता है। चलो भाई क्षमता निकाल लो ना, 50 इधर 25 इधर, 25 से कहें 25, 25 दूनी 50, ठीक है। यदि टैंक का 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो तो दोनों नल को खोलने पर टैंक कितनी देर में भर जाएगा? बोलिया कि सर ये खाली कर रहा है, खाली करने वाला क्षमता ऋणात्मक लेते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। 2 के क्षमता से 25 या 1 के क्षमता से 50, कोई लेके चलेंगे 50 आएगा। लेकिन बोल रहा है क्या, यदि टैंक का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, तो 3/4 भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ है उसको थोड़ी ना भरना है, जो खाली है उसको ना भरना है जी। तो देखिए भरा हुआ कितना है? 3/4, तो कोई भी बता देगा कि खाली होगा 1/4। 3/4 मतलब 4 में 3 भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा? तो 1/4। तो जितना क्षमता है इसका 1/4 ना खाली है, भरना इसी को ना है, तो भरना इसी को है, तो ये 2 के क्षमता से भरेगा, ये खाली करेगा, चूंकि दोनों ना चल रहा है। यही तो बोल रहा है कि यदि टैंक का 3/4 हिस्सा भरा हो तो दोनों नल को खोल दिया जाए, तो 3/4 भरा हुआ तो बचा 1/4, तो कितना देर में? तो ये 2 भरेगा, ये खाली करेगा, तो 1 के क्षमता से टी, 4 से काटेंगे 12.5 बार में कट जाएगा, यानी टी बराबर 12.5 मिनट। 12.5 मिनट में दोनों मिलके शेष भाग को, चूंकि 3/4 भरा हुआ तो बचा 1/4, उसको भर देगा 12.5 मिनट। कमाल का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। दो नले और बी टंकी को भरने में 20 मिनट तथा 1 घंटा। लो ए और बी, ए लेता है भरने में 20 मिनट, बी लेता है 1 घंटा, तो 60 मिनट। 60 मिनट 1 घंटे लिख रहा, 1 घंटा तो उसको 60 मिनट, चुके मिनट में 60 मिनट। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया गया, इसके बाद ए को बंद कर दिया गया, अब शेष भाग को भरने में बी। तो बोले सर कौन बड़ा बात है, पहले क्षमता निकाल लेते हैं, 60 इधर 20 इधर, 20 से कहाँ 20, 20 दिया 60, किसी एक को लेके चलेंगे 60, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 10 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 3 × 1 = 4 के क्षमता से 10 मिनट तो चला, उसके बाद ए को बंद किया जाता है, ए को। तो बोले सर ए बंद हो गया मतलब 3 तो अब चलेगा नहीं, बचा 1, तो 1 के क्षमता से शेष भाग को भरने में टी, 10/40 इधर आके घटेगा, टी बराबर 20 मिनट। यानी जब ए बंद हो गया तो शेष भाग को भरने में बी कई मिनट? 20 मिनट। लेकिन बोलता पूरा टंकी भरने में तो 20 मिनट और 10 मिनट साथ ही चला था, 30 मिनट। लेकिन यहाँ शेष भाग को ही पूछ रहा है, इस सब बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया बी कितना मिनट? 20 मिनट, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन नंबर 27 उड़ाते हैं। दो नाले ए और बी एक टंकी को 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। अब आ जाइए बारी बारी, क्या कमाल का क्वेश्चन आ गया। बारी बारी वाला हम आपको टाइम वर्क में स्पेशल एक टाइपे पढ़ाए थे, तो टाइम वर्क पाइप टंकी में रत्ती भर का फर्क है थोड़ा सा, भरने वाला पॉजिटिव खाली करने वाला नेगेटिव, कौन बड़ा बात हो गया। तो यहां देखिए ए और बी 6 मिनट 7 मिनट में भर सकते हैं, ए और बी ये 6 मिनट में इस 7 मिनट में भर सकते हैं। क्षमता इधर 7 इधर 6, कर तो रहा है नहीं, तो 7/6, 7/6। अब देखिए क्या कर रहा है, ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय, कमाल करते हैं सीखिए, कितना मजे से बताते हैं। 7 की क्षमता 6 मिनट या 6 की क्षमता 7 मिनट 42, इतना आपको भरना है। लेकिन ए शुरू किया, ये 7 भर रहा है 6 भर रहा है, तो 7 6 13, तो 13 भरने में कई मिनट लग गया, तो बोले सर 1 मिनट, चूंकि क्षमता 1 मिनट का होता है भाई, तो 1 मिनट में ही 7 भरेगा, फिर ही नहीं चलेगा वो भरेगा, तो अगला 1 मिनट में वो 6 भरेगा, तो 13 भरने में कई मिनट लगा, 2 मिनट। आप 13 को किससे गुना करें कि 42 या उससे कम आए, तो बोले सर 13 को 3 से गुना करिए, तो 3 से लेफ्ट तो 3 से राइट, यानी आप कह सकते हैं 39 भरने में 6 मिनट। हमें भरना कितना है, बोले सर हमें भरना है 42, जिसमें 39 तो हो गया, 3 और घट रहा है, और ए से शुरू किए थे और पेयर में ना 13 हुआ, 7 6 13, ए बी ए बी ए बी, तो पेयर में लेके चले हैं, तो अब फिर बारी किसका होगा, ए का। तो ए के पास गए, बोले भाई साहब हमको 3 भरना ही, बोला हमारा तो क्षमता 7 है, तो हम बोले कर दीजिए काम, तो बोला कि 3 क्षमता, हमारा क्षमता है 7, भरेंगे 3, यानी 7 में 3, तो 3/7, तो 3 भरेगा और समय लेगा 3/7, यानी कि पूरा भरने में 6.37 मिनट। और इससे सटीक और जल्दी आपको कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, सबसे आसान तरीका है। क्षमता तक 42 तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आरंभ किया ए उसके बाद बी बारी बारी, तो 7 6 13 भरने में 2 मिनट, 13 को ऐसा गुना किया कि पूरा 42 आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो 42 से नीचे ही रखना है, तो पूरा तो आएगा नहीं, 3 लेफ्ट 3 राइट, तो 39 भरने में 6 घंटा, हमें 3 और भरना है, बारी ए का है, क्षमता इसका 7 है, तो 3 भरेगा लेकिन समय लेगा 3/7, 6.37/7, कभी नहीं गलती होगा, बारी बारी से भरे खाली करे और मजा आएगा। आगे देखिए ना, 6.37/7 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28 पहुंच गए। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगना है, दोनों पाइपों को भारी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। समझिए, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगना है, तो समझिएगा पहला पाइप है दूसरा पाइप है, ठीक है, व्यास की बात कर रहे हैं। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर रहा है, 40 मिनट में खाली कर रहा है, भर रहा है जो भी, एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगना है, मतलब इसका आप कह सकते हैं 1, तो इसका कह सकते हैं 2, ठीक है, 2। दोनों पाइप को भारी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते हैं कि इसका क्षमता, इसको व्यास को क्षमता मान लेते हैं, एक का क्षमता 40 मिनट में, तो ये 40 हो गया, और अब दोनों चल रहा है, यही ना बोल रहा है कि दोनों पाइपों को, तो एक का 2 3 के क्षमता से टी मिनट में, टी बराबर 40/3, 13.1/3 मिनट, और ये ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना 3। लेकिन ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में पार्टिकुलरली लिख देगा कि व्यास या त्रिज्या का अनुपात दिया रहे तो क्षमता उसके वर्गों के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती, बोले काहे से, काहे कि मान लिया जाए ये पाइप है, तो पानी जब भी फेंकेगा तो केवल व्यास से नहीं पूरा क्षेत्रफल से, और इसका यदि त्रिज्या आ रहा है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, इसलिए क्षमता जो भी होता है ना वो क्षेत्रफल हो जाता है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर करिए तो पाई पाई तो कट जाएगा, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 के स्क्वायर, 1:4। वैसे कोई कोई क्वेश्चन में लिख देगा कि इसका क्षमता जो है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, नहीं तो आपको भी दिमाग लगाना होगा, जब ऑप्शन में ये वाला ही केवल दे 8 नहीं दे तब तो आपको इसे बना देना है, लेकिन ऐसे मेनली रूप से इसका राइट जो होना चाहिए, ठीक है ना, राइट जो आंसर होना चाहिए वो यही होना चाहिए। क्या अब देखिए, अब क्षमता 1:4 हो गया,
किसी एक को लेकर चले, किसी का इसका समय दे ले, एक के क्षमता 40 मिनट तो 40 का 40, आप दोनों मिल गया, चार एक पांच, पांच के क्षमता 8 × 5 = 40, तो एक्चुअल में इसका आंसर 8 मिनट ही होना चाहिए, ठीक है ना, ये एकदम राइट है, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ यही ऑप्शन दिया रहे तो हो सकता है बोर्ड वाला उसको माने, लेकिन जब यह दिया हुआ है तो आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि पाइप का जब व्यास या त्रिज्या दिया रहे तो क्षमता उसके वर्गों के समानुपाती होता है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, इसको वीवीआई के कैटेगरी में रख लेना। वैसे तो मेरे बताए हुए एक एक क्वेश्चन आपके लिए वरदान होना चाहिए, वीवीआई होता है, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं जहां पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है और एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कितना ईजी रहे, हार्ड रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, मजा है। एक टंकी को दो नले ए और बी क्रमशः 4 घंटे 6 घंटे में भर सकते हैं और सी 8 घंटे में खाली, खाली टंकी में तीनों नले एक साथ खोले जाए तो टंकी को भरने में बोले सरी तो बनना ही चाहिए। फिर भी मैं बताता हूँ, ए बी सी, ए कई घंटे 4 घंटे में भर सकता है, बी कई घंटे 6 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। क्षमता 1/4, 1/6, 1/8, यानी कि एलसीएम 24, 6 × 24, 6 × 24, 8 × 24 माइनस, किसी एक को लेकर चलेंगे 24, ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, 10 भरेगा, ये 3 खाली, बच गया 7, 7 के क्षमता से टी, टी बराबर 24/7 घंटे दिया हुआ तब तो ठीक है, नहीं तो 7 × 21 3/3/7 घंटे तो जरूर देगा। तो यहाँ पे 3/3/7 घंटे है ये जी, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर है 30, मजा है। बोला दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 12 घंटे में और 15 घंटे में भरते हैं, एक तीसरा पाइप सी 20 घंटे में खाली, यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय, एकदम 29 बताएं, वही वाला ना 30 है जी, धड़ाधड़ उड़ा दीजिए, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31, ट्रिपल ऑफर धमाका, लो आप क्या खोजते हो भाई, ट्रिपल ऑफर धमाका, सेम वही क्वेश्चन, 3 घंटा में एको भर देता है और 2 निकासी पाइप है जो 6 घंटा 10 घंटा में खाली कर रहा था, कौन बड़ा बात हो गया, भरे वाला पॉजिटिव, खाली करे वाला निगेटिव, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा, आराम से बन जाएगा, सिर्फ दो गो को निगेटिव लेके चलना है, आंसर कमेंट करना, एकदम निश्चित बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32, मजेदार वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए कैसे तोड़ देते हैं इसको, एक खाली है उसको भरने में 2 पाइप है, ए बी है, ए कई मिनट है 60 मिनट, बी कई मिनट है 40 मिनट, क्षमता 40 इधर 60 इधर, 20 × 40 = 20 / 60, नो डाउट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बोल कह रहा है यदि हाउस को भरने में आधा समय बी काम करे और आधा समय ए और बी दोनों काम करे, क्या मजा है, आधा समय बी काम करे आधा समय ए और बी दोनों, तो हाउस को भरने में कितना समय, तो बोलिया कि सर किसी एक को लेकर चलते हैं तो 120 आता है। अब यहाँ पे कमाल की बात तो ये है कि बोला आधा समय कौन काम करे, तो बोला आधा समय बी काम करे, तो ये पूरा समय काम करेगा तो क्षमता इसका 3 होगा, जब आधा समय काम करेगा तो क्षमता इसका 3/2 होगा, नो डाउट, और आधा समय ए और बी दोनों करे, ए और बी दोनों आधा समय दोनों, तो बोले सर ए और बी दोनों पूरा समय करेगा तो 3/2 = 5, लेकिन आधा समय करेगा तो 5 / 5/2, आधा समय तो आधा का कौन नहीं जानता, देखिए कमाल का बात बोल रहा है कि आधा समय बी काम करे और आधा समय ए और बी दोनों काम करे, तो आधा समय मतलब बी का पूरा समय का क्षमता 3 है, आधा समय का क्षमता 3/2 = 1.5, और ए बी का पूरा क्षमता 5 है, आधा समय दोनों मिलकर करेगा तो 1.5 मिल जाएगा तो 4, तो 4 के क्षमता से कितना देर टी, 4 से काटेंगे 30 × 120, यानी हम कह सकते हैं कई मिनट 30 मिनट, यानी आधा समय ए और आधा समय ए बी दोनों करेगा तो 30 मिनट, ऑप्शन मिला लो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33, जितना आगे बढ़ो उतना मजा है, जितना आगे बढ़ो उतना मजेदार क्वेश्चन। दो पाइपे ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं, यदि ए पाइपे अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक समय लेगा, तो केवल ए, तो बोले सर ए बी एक बार है ए प्लस बी मिलकर, स्पेशल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यदि ठेठ में बोला जाए तो ऑप्शन वाला, स्पेशल टाइम वर्क में भी ऐसा बताए थे, करा ए और बी मिलकर भरेगा तो 4 घंटे में भर देगा,
लेकिन जब अलग अलग भरे ना तो बी ए से 6 घंटे अधिक समय लेता है, मतलब ए को यदि आप टी घंटे मानते हैं तो बी टी प्लस 6 घंटे लेगा भरने में। तो बोल रहा है कि ए द्वारा टंकी को अकेले भरने में, मतलब केवल ये भरेगा तो कितना समय। तो बोले सर कौन बड़ा बात है, हम इसको जोड़ के तो बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय को जोड़ के बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षमता को जोड़ के बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों मिल गया तो दोनों ताकत मिल गया। तो क्षमता समय का उल्टा, टी का उल्टा 1/t, टी प्लस 6 का उल्टा 1/t प्लस 6 और बराबर यहाँ पर 1/4। अब इसको हल भी मत करो नहीं तो द्विघात समीकरण में बैठेगा, लंबा जाएगा, मूर्खता वाली बात नहीं करना है। ऑप्शन से चूंकि निकालना है ये अकेले कितना देर में, यानी टी का मान निकालना है, तो टी का मान रखिए, पुट करिए ऑप्शन से, 1/4 आ गया, सेटिस्फाइड हो गया, काम हो गया। पहला ऑप्शन है 1 घंटा। अब 1 घंटा यदि हम यहाँ रखते हैं तो 1/1 1/6 जोड़ के कभी 1/6 7 जोड़ के कभी 1/4 आएगा, नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है 2 घंटा, 1/2 रखते हैं, 1/6 है, एलसीएम कितना हो जाएगा। तो बोले सर एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 का एलसीएम तो 6 ही होगा, तो 6 नीचे में हो जाएगा, फिर 4 आने की कोई समाप्त, सॉरी 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखना होगा ना, यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ 8, तो एलसीएम क्या हो जाता है। तो बोले सर 2 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, दूसरे भाग दिया 4 और 1 5 5/8 हो जाएगा, हमें 1/4 चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है 6 यहाँ रखते हैं और 6 यहाँ, तो इसमें आ जाएगा क्योंकि 1/6 और +6 यहाँ रखेंगे तो 1/12 हो जाएगा। हल करेंगे एलसीएम 12, 6 से भाग देंगे तो 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 12, 1/4 आ गया। किस में, जब टी बराबर रखे हैं हम 6, यानी हम कह सकते हैं कि अकेले जब ए चलेगा तो टी घंटा माने टी का मान आ गया 6, यानी अकेले ए या केवल ए 6 घंटे में भर सकता है। क्लियर है, ऑप्शन से मान रखना है, सेटिस्फाइड हो गया, आंसर आ गया। ज्यादा दिमाग लगाओगे द्विघात में बैठेगा, फंस जाओगे। ऐसा क्वेश्चन और भी आगे मिलेगा, धड़ाधड़ प्रैक्टिस, क्योंकि ये तो हम डायरेक्ट टाइप 2 करा रहे हैं, अभी तो मेन मजा टाइप 1 में 66 क्वेश्चन है। मतलब यहां से पढ़ने के बाद पाइप टंकी के किसी भी क्वेश्चन में इतनी हिम्मत इतनी औकात नहीं है जो आपको आंख दिखा सके, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहां पे हम लोग का आंसर हो गया 6 घंटा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः ए और बी 37.5 मिनट और बी कितना है 45 मिनट, कमाल है, भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाए, टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय तक बंद कर देना चाहिए या कितना समय बाद बंद कर देना चाहिए। बीबीआई क्वेश्चन, मजा है, देखिए कितना मजेदारी है। पहले तो आप 45 को इधर लाएंगे, 37.5 को इधर, तो इधर 45 आ गया, इधर 37.5 को हम 75/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 15 × 75 15 × 45, इधर 2, चूंकि 2 नीचे में, तो गुना होकर इधर 6:5 हो गया, मेन क्षमता ये हो गया। अब कमाल की बात तो ये है कि बोल रहा है क्या, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो किसी एक को लेकर चलिए, 6 की क्षमता 37.5 या 5 की क्षमता 45, 225 आएगा, कितना आएगा 225। अब 225 आया, दोनों को खोल दिया गया, लेकिन आधे घंटे में भरना है तो बी को कितना समय तक बंद कर देना होगा, मतलब कितना समय बाद बंद कर देना होगा। तो बोले सर आधे घंटे में भरना है तो बी को बंद कर रहे हैं, तो मान लिया जाए कि बी को टी मिनट में बंद कर रहे हैं, लेकिन ए को तो बंद करने का कोई चांस नहीं है, तो ये तो पूरे 30 मिनट चलेगा आधे घंटे। इस प्रकार के क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोला गया तो 6 × 5 = 11 लेके चलिए, तो मूर्खता वाला बात हो जाएगा, आंसर आएगा लेकिन आप फंस सकते हैं, लेकिन फंसने की संभावना ही ना हो ऐसा तरीका मैं बता रहा हूं। भरना 225 है, बोल रहा है बी को कितने मिनट में बंद कर देना चाहिए या कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, तो टी मिनट बाद यदि हम बंद करते हैं तो बी टी ए मिनट में चलेगा, ए तो बंद करने का संभावना है नहीं, तो आधा घंटा में भरना है, यानी ए पूरा अंत तक चलेगा, तो बी का क्षमता 5 है, 5 की क्षमता टी मिनट और ए पूरा 6 की क्षमता 30 मिनट, 6 × 18 = 180 जाके इधर घटेगा, तो 5t = 180 जब 225 में घटेगा 45, 5 × 9 = 45, t = 9 मिनट, यानी आप कह सकते हैं कि बी को 9 मिनट तक ही चलाना चाहिए या 9 मिनट तक बंद कर देना चाहिए या 9 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, यही तो पूछ रहा है कि 9 मिनट तक ही चलाना चाहिए। तो हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर कितना 4, क्लियर हुआ। 9 मिनट बाद भी बंद किया तो 9 मिनट तक ही चलाना, कितना मिनट तक चलाना चाहिए, तो 9 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35, वीवीआई क्वेश्चन है और सबसे वीवीवी पांचों बार लिख के आई लिख दो,
और अभी तक जितना भी आप क्वेश्चन बनाए उसमें सबसे दमदार है, सबसे मजेदार है। कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें यह नहीं मिलेगा, कोई ऐसा प्रीवियस नहीं है जिसमें यह नहीं मिलेगा। रेलवे से लेकर एसएससी सीजीएल मेंस तक पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। कहता है दो नलें ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट 18 मिनट में भर सकते हैं। देखिए कितना मजा है, ए और बी ये 15 मिनट में भर सकता है, ये 18 मिनट में भर सकता है, ठीक है। जबकि टंकी को खाली करने के लिए सी का प्रयोग किया गया है, लेकिन सी कितना देर में खाली कर सकता है नहीं है दिया हुआ। कहता है ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। यदि सी को खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है तो सी कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। वाह, पूछ ही रहा है कि सी कितने समय में टंकी को खाली कर देगा, यानी सी का क्षमता मालूम करना जरूरी है। और इसके लिए लंबा सा कहानी दिया हुआ है, लेकिन देखिए कैसे इसको तोड़ते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्षमता निकालेंगे। 18 इधर 15 इधर, 3 से 6 18 5 3 15, इसका क्षमता मालूम नहीं है इसलिए हम x मान लिए। लेकिन चूंकि ये खाली करने वाला है इसलिए इसका क्षमता हम -x माने। कमाल, अब यहां पे क्या कह रहा है समझिए क्या बोल रहा है। ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद, यानी पहले हम उस टंकी में कुछ पानी भरे हैं, क्योंकि ए और बी क्या है भरने वाला है, और भरने वाला को हम 6 मिनट तक चलाएंगे तो निश्चित है कुछ पानी भरेगा। अब क्या किया कि सी को खोल दिया गया, और सी को खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो गया। कहानी में ट्विस्ट आया, इसका मतलब कि खाली करने वाला का क्षमता भरने वाला से अधिक है। इसीलिए तो बोल रहा है कि पहले ए और बी को 6 मिनट तक खोला गया तो कुछ भरा होगा, क्योंकि ए और बी भरने वाला है। लेकिन जैसे ही सी को हम खोले हैं उसके खोलने के 16.5 मिनट, मतलब ए भी तो चल ही रहा है साथ ही सी भी चलना शुरू हो गया, तो 16.5 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। तो सी कितने समय में पूरा टंकी को खाली कर देगा, तो बोले सर सी का क्षमता -x मान लिए खाली कर रहा है। लेकिन किसी एक को लेकर चलेंगे तो किसी एक को लेकर 15 6 90 18 5 90 लेकर चलिए तो गलती हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा टंकी का क्षमता हो गया, लेकिन पूरा थोड़ी ना भरा है। पहले ये दोनों को चलाया है कई मिनट, 6 मिनट, तो जो भरा होगा उसी को अब खाली कर रहा है। तो जैसे ही भरने खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा आएगा तो माइंड में सेट रखिए कि पहले भरने वाला को जरूर चलाता है। तो यही तो बोल रहा है कि पहले ए और बी को हम चलाए हैं 6 मिनट, तो 6 और 5 11 की क्षमता से कई मिनट चला, 6 मिनट। अब इसी को खाली करेगा तो ए और बी तो चलिए रहा, सी भी चलने लगा, जिसके कारण 16.5 मिनट में, तो बोलिया कि सर खाली हो गया। तो खाली हो गया तो कन्फर्म है ई माइनस दर्शा रहा है कि खाली कर रहा, लेकिन ये ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तब ना खाली हो गया। तो 6 5 11 -x ना लिख के x-11 लिखेंगे। काहे कि देखिए मान लिया 5-11 लिख रहे, तो 5-11 थोड़ी लिखते हैं आप, 11-5 करते हैं, लेकिन उसको भले आप निगेटिव लिखते हैं। तो यहां पर क्या करना होगा, x-11 करना होगा, भले वो खाली कर रहा है कई मिनट में, 16.5 मिनट में। हमने क्वेश्चन ही करा, देखिए कितना मजेदार कहानी में ट्विस्ट है। बच्चा फंसे गए हैं 15 6 90 लेके, जबकि बोल दिया कि पहले ए और बी को चलाया है 6 मिनट तक, 6 5 11 की क्षमता से 6 मिनट चलाया, उसके बाद जब सी को खोला, ये भी तो चल ही रहा है, सी को भी खोला तो 16.5 मिनट में खाली, इसका मतलब खाली करने की क्षमता ज्यादा है। तो हम x-11 कर दिए 16.5 मिनट, अब काट दीजिए। वैसे तो यदि आप चलिएगा तो 16.5 से 66 डायरेक्ट 4 बार में कट जाता है, क्योंकि 16 6 64 होता है, आप काट सकते हैं। ये -11 इधर आएगा तो जुटेगा तो 15 हो जाएगा, एक्स का क्षमता, एक्स का मान 15, यानी कि सी का क्षमता 15 आया। अब यहां से बोल रहा है कि सी कितने समय में टंकी को खाली कर देगा, मतलब पूरा टंकी को। तो बोले सर पूरा टंकी का क्षमता तो 6 की क्षमता से 15 है, या 5 की क्षमता से 18, कोई लेके चलिए 90 होगा, 90। तो सी का क्षमता कितना है, 15 की क्षमता से कई मिनट में खाली, 3 मिनट में, 15 6 90, आंसर हो गया 3 मिनट। कहानी में ट्विस्ट है, फिर से आइए, बहुत मजा है। क्वेश्चन 35 नंबर, कह रहा है क्या ए और बी किसी टंकी को 15 मिनट 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी खाली करने के लिए, लेकिन सी का समय नहीं दिया हुआ है, सी का प्रयोग किया जाता है खाली करने के लिए। ए बी को 6 मिनट खोलने के बाद सी को खोला जाता है, और जैसे ही सी को खोलते हैं तो टंकी 16.5 मिनट में खाली। तो माइंड में आया कि पहले सी का क्षमता हमें एक्स मान लिए, खाली कर रहा है इसलिए माइनस, पहले ये दोनों को 6 मिनट चलाएं, क्योंकि जो 6 मिनट में ये दोनों भरेगा वही खाली होगा, तो खाली होगा तो बराबर। तो ये दोनों तो चल ही रहा था, लेकिन इसकी क्षमता ज्यादा, इसलिए x-11 16.5 मिनट में खाली कर देता है सी जब खुलता है।
तो अब आ गया x का 15, तो यही बोल रहा है कि c अकेले कितना देर में खाली कर देगा। तो पूरा टंकी की बात किया है तो 15 × 6 = 90, 18 × 5 = 90, 15 के क्षमता से 6 मिनट आंसर हो गया। इसको आप 2-3 बार बनाइएगा, ये सब क्वेश्चन बनाइएगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो 6 मिनट ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36 मजेदार। एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में तिगुनी तेजी से भरता है। एक पाइप एक अन्य की तुलना में तिगुनी तेजी से कब भरेगा, जब उसका क्षमता तिगुना रहेगा। एक पाइप एक अन्य पाइप दूसरा, इससे तिगुनी मतलब इसका 1 तो इसका 3, ठीक है। यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट, तो धीमी रफ्तार वाला अकेले, तो बोले सर दोनों मिल गया मतलब 3 × 4, तो 4 के क्षमता से 36 मिनट, तो धीमी रफ्तार उसको कहेंगे जिसका क्षमता धीमी होगा, तो 1 के क्षमता से t, तो t बराबर 36 × 144 मिनट दे सकता है, या इसी को आपको लिख सकता है 2 घंटे 24 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 120 मिनट का 2 घंटा, 24 मिनट बच जाएगा। आपकी मर्जी है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर क्लिक कर देंगे। 2 घंटे 24 मिनट दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 नंबर क्वेश्चन तो हम एग्जांपल में भी लिखाए थे, टाइप 2 में बड़ा मजेदार है। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छिद्र या छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? आप में से बहुत सारे बना लेंगे। चलो ए एक नल है जो टंकी को भर रहा है 8 घंटे, मान लिया जाए ए उसका नाम है, ए तो है, उसके साथ बी एक छेद है, छिद्र है। अरे भाई छेद है तो उसका भी तो कुछ क्षमता होगा। मान लिया जाए कि नीचे में ही एक नल खुला हुआ है जो खाली कर रहा है, उसके कारण 2 घंटे अधिक लगते हैं मतलब 10 घंटे। तो बोला छिद्र के कारण कितना देर में खाली होगा? बोले सर क्षमता तो इसका एकदम झका, सीधर मारिए इधर मारिए, 5 × 10 = 4 × 8, यानी कि छिद्र का क्षमता 1 होगा लेकिन माइनस 1। बोले क्यों? क्योंकि ए का अकेले क्षमता 5 है, जब बी ए के साथ मिला तो 1 कम गया, यानी बी का क्षमता -1, ऐसे भी वो छेद है पानी गिरा रहा। तो बोला कितना देर में खाली हो जाएगा? किसी एक को लेकर चलिए 40, तो 1 की क्षमता t, टी बराबर 40 मिनट, छिद्र के कारण रिसाव के कारण 40 मिनट में खाली, ऑप्शन मिला लो ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38 मजेदार, कमाल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा त्रुटि है क्वेश्चन में, सुधार लेना है, सुधार लेना है, लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे। कहता 3 नलें ए बी सी, एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, तीनों मिल जाएगा तो 5 घंटे। सी की गति बी से दुगनी है, गति मतलब क्षमता, और यहाँ एक लाइन छूट गया, यहाँ पे लिखना चाहिए सी की गति बी से दुगनी हो और बी की गति ए से दुगनी हो। सी की गति बी से दुगनी हो और बी की गति ए से दुगनी है, यहाँ पे इस लाइन को आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो बोले सर सी बी से दुगनी है और बी ए से दुगनी है, ए किसी से नहीं दुगनी है, इसलिए ए का क्षमता हम मान लेंगे 1, और ए से दुगनी बी है तो 2, और बी से दुगनी सी है तो 2 × 2 = 4, क्षमता का निकल गया, तेजी मतलब दुगनी, गति मतलब क्षमता। तो यहाँ बोल रहा है क्या, तो नल ए टंकी को भरने में, तो बोले सर जब क्षमता निकलिए गया, ये बोलिए रहा है कि सी की गति बी से दुगनी और बी की गति ए से दुगनी, तो शुरू ए से किए 1, 1 से दुगनी 2, और इससे दुगनी 4, ठीक है। आप 2, 4, 8 भी मान सकते हैं, काट के इतना ही आएगा। अब तीनों मिलकर 5 घंटा में तो ए अकेले, तो 4 तीनों मिल गया मतलब तीनों की क्षमता जुटेगा, 4 × 2 = 6, 1 = 7 के क्षमता से 5 घंटे में, तो ए अकेले 1 की क्षमता t घंटे में, टी बराबर 7 × 5 = 35 घंटे, आंसर भी आप लिख लीजिएगा 35 घंटे। क्लियर हुआ, ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर हम लोग का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39 उड़ाते हैं। 2 नले एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य निकासी नल है 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले तो इसी का हिसाब किताब करते हैं, हम तीनों नल का नाम रख देते हैं ए बी सी। ए है जो 8 घंटे में भर रहा है पहला, यानी बी है जो 12 घंटे में भर रहा है, और सी है जो 6 घंटे में खाली कर रहा है। कोई बात नहीं है, खाली कर रहा है, तो पहले हम लोग ना क्षमता निकालते हैं, क्षमता समय का उल्टा 1/8, 1/12, 1/6, LCM 24, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, 6 × 4 = 24, -4 है। बढ़िया बात है, इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टाइम वर्क से ये काम करते आ रहे हैं, कहानी यहाँ से बनता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। तीनों नाले क्रमशः 1, 2 और 3 बजे खोला जाता है, इसको हम खोलते हैं 1 बजे, इसको 2 बजे, और इसको खोलते हैं 3 बजे। देखिए कितना मजेदारी है, मतलब 3 बजे तक में तीनों खुल जाता है,
3 बजे, तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी, कितने बजे तक? तो बोले सर टंकी भरना कितना ही पहले पता लगाओ, 3 के क्षमता से 8 घंटा, 8 या 24, 2 के क्षमता से 12, 24, कोई लेके चलिए 24। अब देखिए क्या मजा है, पहले तो ई 1 बजे चला है, 3 बजे से ना तीनों शुरू किया है, तो 1 से 3 बजते बजते ई 2 घंटा चला होगा, तो 3 के क्षमता से 2 घंटा प्लस, और ई 2 बजे चला, 2 से 3 बजते बजते ई 1 घंटा चला होगा, तो 2 गुना 1 प्लस। अब जैसे ही 3 बजा, 3 बजे तक तो इतना भरा, लेकिन जैसे ही 3 बजा तो अब तीनों चल रहा है, क्योंकि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, अब 3 बजे ये भी शुरू हो गया, तो अब चलेगा ना, तो 3 2 5, 5 में 4 गया 1, 1 के क्षमता से टी, कई मिनट के, कई बजे के बाद, 3 बजे के बाद ऐसा होगा टी। तो चलिए 3 2 6 और 2 8 आके घटेगा, तो टी बराबर 24 में 8 घटेगा 16 घंटे। अब 16 घंटे लगे, लेकिन कई बजे के बाद, 3 बजे, तो 3 बजे और प्लस 16 घंटे जोड़िए। तो बोले सर 3 बजे में हम 12 घंटा जोड़ेंगे तो 3 बजे सुबह हो जाएगा ना। अब आंसर कैसे दिया, प्रातः के रूप में दिया, तो 4 घंटा और बज गया, तो 3 बजे सुबह में 4 और जोड़िए तो 7 बज जाएगा, यानी 7 बजे प्रातः। ऑप्शन देख लीजिए, 7 बजे प्रातः है ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर से एक बार समझिए मजा है, ए 8 घंटा में, बी 12 घंटा में भर सकता है, सी 6 घंटा में खाली, क्षमता 3 2 i-4, किसी एक को लेकर चले 24, लेकिन 1 बजे चला है, 3 बजे तक पक्का है, 3 2 6 भर दिया, 2 बजे चला है, 3 बजे तक ए 2 1 2 e भर दिया, अब तीनों चल रहा है 3 बजे से, 3 बजे ये भी खुल गया, तो 3 बजे तक जितना भरा है वो तो हम लिखे दिए, अब तीनों, अब जैसे ही तीनों चल रहा है तो 3 2 5 4, 1 के क्षमता से टी, यानी 3 बजे के बाद 16 घंटा लिया, 3 बजे हम 16 घंटा जोड़ दिए, प्रातः 7 बजे, क्योंकि 3 बजे दोपहर खोले गए हैं, तो प्रातः 7 बजे ऑप्शन नंबर दूसरा। बड़ा ही मजेदार है, कम से कम 4 बार बनाना है, क्योंकि 10-20% क्वेश्चन हर चैप्टर में ऐसा मिलेगा जिसपे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और मैं बार बार बोलता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि छोटे लोग आपको सलाम करें तो बड़े लोगों से पहचान बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों से, इसलिए कहते हैं कि छोटे छोटे मैथ आपके सामने घुटने टेक के थर थर कांपे, इसलिए बड़ा बड़ा मैथ को इंटरेस्ट लेके बनाओ, मजा लेके बनाओ, दिमाग मना कर रहा है फिर भी बनाओ, कि साले को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। बड़ा ही मजा, हम लोग अपने टारगेट की ओर पहुंचने वाले हैं। देखिए कितना भी मैथ बना लो, कितना भी रीजनिंग बना लो, कितना भी जीके पढ़ लो, थकने लगो तुरंत एकदम टाइट होके खड़ा हो जाओ, अपने आप को एटीट्यूड में लाओ और बोलो इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, फिर से तरोताजगी आएगी। और मैं फिर से बोलूंगा कि लगातार ये जारी रखने के लिए, आपको हर तरह के टॉपिक से रूबरू करवाने के लिए, एग्जाम में आपके सामने मैथ रीडिंग थर थर का पे, इसके लिए लगातार मेहनत करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। सो प्लीज जम के शेयर करें, धड़ाधड़ शेयर करें, 100 के पूरा करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा बात है, चुटकियों का खेल है, 20 के प्लस बच्चे हैं, 5-5 को जोड़ेंगे 100 के तुरंत पूरा हो जाएगा। जिस दिन पूरा हुआ फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इतना तो एक्सपीरियंस अब हो गया कि हर तरह के मैथ को आपके कदमों में झुकाऊंगा, यही मेरा सपना और संकल्प भी है। सो प्लीज साथ दें, अभी एकदम धड़ाधड़ शेयर बटन पे दबाएं और जितना ग्रुप आपके पास है जिस भी माध्यम से सब में शेयर कर दें। यहां देखिए कह रहा है क्या, 2 पाइपें किसी टंकी को 15 घंटे 12 घंटे में हुआ, पहला पाइप दूसरा पाइप 15 घंटे 12 घंटे ठीक है मैं भर सकते हैं, तथा तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। लो ये तो और कांड हो गया, वीवीआई क्वेश्चन, 4 घंटे में खाली कर सकते हैं, यदि इन पाइपों को क्रम से 8 बजे 9 बजे 11 बजे खोल जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। देखिए कहानी में ट्विस्ट आया, पहले तो हम लोग क्षमता निकालेंगे, 1/15, 1/12, 1/4 एलसीएम 60, 15 चौक 60, 12 5 60 और 15 चौक 60, इसका क्षमता माइनस। अब जैसे ही आप देखे तो एक चीज आपके दिमाग में घूम गया होगा कि भाई भरने वाला क्षमता दोनों को भी चलाते हैं तो 5 4 9 है, खाली करने वाला की क्षमता 15 है, इसका मतलब टंकी हर हाल में खाली होगा, तो खाली होगा क्या जो भरा हुआ रहेगा, खाली उसी भाग को ना करिएगा जो भरा हुआ रहेगा। तो जब कभी भी खाली करने वाला की क्षमता ज्यादा रहेगा ना तो गारंटी है कि पहले भरे वाला कुछ देर चलाएगा, जब तक टंकी हम कुछ भर ले नहीं रहेगा, आप तीनों को चला दीजिए तो खाली कुछ होगा, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो देखिए ये क्या कहा है, कहता क्या है कि यदि इन पाइपों को क्रमशः
8 बजे 9 बजे 11 बजे क्रमशः, मतलब पहला पाइप को 8 बजे, फिर इसको 9 बजे और इसको 11 बजे 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। बोले सर खाली करने के लिए उसमें कुछ भरना जरूर है, और भरने के लिए इसको चलाए 8 बजे इसको 9 बजे, तो जितना 11 बजे तक भरेगा 11 बजे ये भी स्टार्ट हो जाएगा जिस समय ही खाली करने वाला स्टार्ट हुआ। देखिए ना इसका क्षमता 4 और 5 9 है, आई 15 खाली कर रहा है, जिस समय शुरू हुआ समझे खाली होना शुरू, तो खाली होना शुरू होगा 11 बजे से, लेकिन 11 बजे तक जो भरेगा वही ना खाली होगा। तो ये 8 बजे चला है तो 11 बजे तक 3 घंटा चला होगा, और 9 बजे चला है तो 11 बजे तक 2 घंटे चला होगा। तो भाई ये चला है तो 3 घंटा में कुछ भरा होगा ना, तो 4 के क्षमता से 3 घंटा में 4 तिहाई 12 नो डाउट, प्लस ये 5 के क्षमता से 2 घंटा चला होगा, 5 दूनी 10 4 तिहाई 12 और 10 22 भर गया। अब निश्चित रूप से इसी को खाली करेगा। अब ये दोनों चल रहा है, बंद नहीं किया है, क्योंकि इसको इसको 8 बजे इसको 9 बजे, तो 8 बजे चला 3 घंटा में 12 भर गया, 9 बजे चला 2 घंटा में 5 दूनी 10 टोटल 22 भर गया 11 बजे तक। अब 11 बजे से तीनों चल रहा है, ये दोनों पहले से चलिए रहा था, अभी हो गया। तो बोले सर ये 4 भर रहा है, 5 5 4 9 15 खाली कर रहा है, मतलब 6 खाली हो रहा है, 6 खाली हो रहा है। फिर से ये 4 भर रहा है, 5 5 4 9 भर रहा है और 15 खाली, यानी 6 खाली हो रहा है। तो 6 की क्षमता से टी टी बराबर कितना हो जाएगा, 22/6 काटेंगे, 3 दूनी 6 11 दूनी 22 11/3 3 पूर्णांक 2/3 यानी हम कह सकते हैं 3 घंटे कई मिनट 40 मिनट कई बजे से 3 घंटा 40 मिनट में खाली हो जाएगा। तो बोले सर कई बजे से, 11 बजे से, क्योंकि 11 बजे तो तीनों, तो चल दीजिए 11+3:40 यानी 11 1 12 2 यानी 2:40 पर खाली हो जाएगा, 2:40 खाली हो जाएगा। कितना बजे, 2:40 अपराह्न लिखिए दिया है, ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर 4 कमाल का क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझिए। क्षमता निकालने तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाली करे वाला का क्षमता जैसे ही ज्यादा हो समझ जाओ कि भरे पहले भरेगा। तो इसको चलाया 8 बजे इसको 9 बजे 3 घंटा ही, 4 तिहाई 12 2 घंटा ही, 5 दूनी 10 भर गया 22। अब जैसे ही तीनों शुरू हुआ ये 22 खाली हो जाएगा, तो तीनों ये दोनों तो चल ही रहा था ये भी शुरू हो गया, तो 6 का क्षमता से खाली होगा। तो टी बराबर 3 पूर्णांक 2/3 3 घंटे 40 मिनट में खाली होगा, लेकिन कई बजे से, 11 बजे से जोड़ दिए 2:40 में खाली होगा। टका टक ये सब क्वेश्चन को मोहर मारिए, स्टार लगाइए, फुल पत्ती लगा दीजिए, क्योंकि मजेदार इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, बाकी तो धड़ाधड़ बनेगा। 2:40 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41 मजेदार। यदि प्रत्येक नल में जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा तथा 2 नले एक साथ खोले जाते हैं तो 6 पूर्णांक 1/2 घंटों में भरा जाता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा और 3 नल खोला जाता है तो उसे कितने घंटों में भरा जा सकता है, तो मिश्र अनुपात का नियम है, लेफ्ट राइट बराबर कर दो। देखो 2 नल है, प्रत्येक का क्षमता 54 है, तो भरने में लग रहा है 6.5 यानी 13/2 घंटे, तो उसी टंकी को 3 नल 78 की क्षमता से कई घंटों में भर देगा, यही ना बोल रहा है जी, काटो धड़ाधड़ काट दो, काटो फटाफट, 13 6 78 और क्या, 6 18 से 18 3 54 2 से 2 कट गया टी बराबर 3 घंटे 3 नल 78 के क्षमता चलेगा 3 घंटा में भर देगा, फटाफट ऑप्शन मिला लो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 अभी तक का सबसे मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसी टंकी को भरने तथा खाली करने के लिए एक बूस्टर पंप लगा हुआ है, बहुत ही तेजी से भरता और खाली करता है। टंकी की धारिता 2400 घन मीटर है। अब पंप के खाली करने का सामर्थ्य भरने के सामर्थ्य से 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है, मतलब समझ रहे हैं, भरने का सामर्थ्य ये नहीं लिख रहा है, भरने का सामर्थ्य और खाली करने का सामर्थ्य। तो भरने का सामर्थ्य यदि हम x मानते हैं तो खाली करने का सामर्थ्य जो है x+10, ठीक है ना, घन मीटर प्रति मिनट, ठीक है, इससे 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। और पंप टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट का समय कम लेता है, यहाँ कम छूट गया, 8 मिनट कम समय लेता है, तो पंप निश्चित है क्षमता ज्यादा रहेगा तो कम समय लेगा, तो पंप के भरने का सामर्थ्य क्या है। तो भाई भरने का सामर्थ्य हम एक्स मान लिए और खाली करने का है जो भरने से 10 अधिक है, x+10। अब देखिए ऑप्शन से ही बनेगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन से बनने लायक, देखिए कैसे बोलिया कि सर
सामर्थ्य x घन मीटर प्रति मिनट, तो 2400 घन मीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो 2400 बटा x। फिर वही 2400 को यदि हम 10 घन मीटर प्रति मिनट बढ़ा दें तो x प्लस 10, ऐसा करने से 8 मिनट कम समय लगता है, यानी पहले वाला समय में बाद वाला समय, यानी भरने वाला समय में खाली करने वाला समय को घटा दिया जाए तो 8 मिनट कम यानी 8 मिनट आना चाहिए। बोले सर कमाल करते हैं, इसको हल करेंगे तो बैठ जाएगा द्विघात समीकरण में। ऑप्शन ए से पकड़िए ना कि कौन ऑप्शन लेके काट छट के 8 मिनट आए। पहला ऑप्शन 50, लगता है आपके किस्मत से यही सही होगा, क्योंकि 50 रखेंगे 0-0 कट गया, 5 से 240 48 बार में, 50 और 10 60, 6-6 24 40 बार में 8 मिनट घटा के आ ही रहा है, यानी हम लोग का हो जाएगा 50 घन मीटर प्रति मिनट। चेक कर सकते हैं आप, देखिए ना 2400 बटा 50 करिए माइनस 2400 बटा 60 करिए, इसको काटिए तो 48 आएगा, इसको काटेगा 40 आएगा, घटा के 8 मिनट आ ही गया। जब सेटिस्फाइड हो गया यानी निश्चित है भरने वाले का सामर्थ्य कितना है 50 घन मीटर प्रति मिनट, खाली करने वाला का तो 10 ज़्यादा है, 50 10 60 घन मीटर प्रति मिनट, तो भरने वाला पूछ रहा है तो पहला आंसर ही पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, दोबारा बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43, देखने में कहानी जैसा, धुआं धुआं करते हैं कैसे, यहां से और मजा आएगा। ये बीवीआई टाइप ही समझ लो, आपको मैंने टाइप 3 बताया होगा बेसिक क्लास में पाइप टंकी वाला में, कि धारिता, किसी टंकी का धारिता कैसे निकालेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे, टंकी में कितना पानी आएगा ई कैसे निकालेंगे। अभी तक तो हम समय निकाल रहे हैं, इतना देर में खाली कर सकता है भर सकता है, तो देखिए यहां से मजा और शुरू होता है, रेगुलर मिलेगा क्वेश्चन। नालिया किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है जबकि बी 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकलता है, पूर्णतः खाली हौज, मतलब ए अकेले रहेगा तो 20 मिनट में भर सकता है, और बी का समय नहीं दिया हुआ है बल्कि इसका क्षमता है कि 5 लीटर प्रति मिनट, मिनट है या सेकंड, प्रति सेकंड 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाल सकता है। ठीक है, जब पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल को खोल दिया जाए, मतलब ये तो चल रहा है उसके साथ बी को भी खोल दिया गया, तो भरने में 100 मिनट लगते हैं, कई मिनट लगते हैं 100 मिनट। तो बोल रहा है हौज की क्षमता क्या है या उसकी धारिता क्या है या उसमें कितना पानी आएगा। कमाल करते हो यार, पहले क्षमता निकालो, समय के उल्टा 20 इधर और 100 इधर, बेशक है 20 25 100, ए और बी का क्षमता एक है, ए का अकेले क्षमता 5 है, एक अकेले 5 है, बी मिला तो 1 हो गया यानी 4 घट गया, तो बी का क्षमता -4। तो मैं फिर से बताऊं, वहां भी बताया था फिर से बता दूं, कभी भी टंकी का क्षमता या धारिता प्राप्त करना हो तो जिसका क्षमता दर दिया हुआ हो कि 5 लीटर प्रति सेकंड, 5 गैलन प्रति मिनट, 10 लीटर प्रति सेकंड ऐसे करके दिया हुआ हो, तो उसके बारे में ई पता लगाइए कि वो भरने वाला है या खाली करने वाला। यदि भरने वाला है तो कितना देर में पूरा टंकी को भर सकता है, खाली करने वाला है तो कितना देर में पूरा टंकी को खाली कर सकता है। अब यही सोचिए, 5 लीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में ही 5 लीटर पानी फेंक देता है बाहर, खाली कर देता है। यदि पूरा टंकी को 10 सेकंड में खाली करिए तो कौन नहीं बता देगा कि इसका क्षमता, टंकी की क्षमता 10 50 50 हो, कौन नहीं बता देगा कि धारिता 20 सेकंड में खाली कर दे तो 20 50 100 लीटर हो जाएगा। मतलब ये पता लगा लेना है कि बी कितना देर में खाली करे। तो बोले सर इसको तो पता लगाते ही आ रहे, इसमें कुछ नया है कहां, सिर्फ गुने ना करना है। तो देख लीजिए, किसी एक को लेकर चलेंगे 100 आएगा, देखिए ना एक के क्षमता से 100 या 5 के क्षमता से भी 100 आएगा। अभी 4 के क्षमता से 3 मिनट में खाली कर रहा है, 4 से 25 मिनट में खाली कर दिया, कई मिनट में 25 मिनट में, कई मिनट में 25 मिनट में। यदि पूछता कि ए 20 मिनट में, ए भी मिलकर 100 मिनट में भर रहा है तो अकेले बी कितना देर में खाली कर देगा, तो हम लोग का आंसर 25 मिनट में। लेकिन बोल रहा है इसकी धारिता क्या या क्षमता क्या है, धारिता या क्षमता, तो बोलिए कि सर 5 लीटर प्रति सेकंड पानी फेंक रहा है, अभी 25 मिनट में खाली कर रहा है, तो 25 मिनट को पहले सेकंड में बदलिए, अब 1 सेकंड में 5 लीटर तो 5 से गुना कर दीजिए, 25 का 150, 15 5 75 100 लीटर, कमाल हो गया, 7500 लीटर पानी फेंक देगा 25 मिनट में, यानी कि पूरा क्षमता हो गया, धारिता हो गया 7500 लीटर। ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44, सुबह सेम 43 टाइप का रेगुलर क्वेश्चन देखेंगे, मजा आएगा। एक छेद भरी टंकी को, एक छेद है या एक नल है जो खाली करने वाला है, 8 घंटे में खाली कर देता है, भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल, इसके पहले क्या देखे कि भरने वाला था और खाली करने वाला का क्षमता दिल था,
प्रति लीटर, यहाँ प्रति लीटर दिया हुआ भरने वाला का, तो एक छेद या एक नल ए है जो आठ घंटे में बड़ा ही मजेदार है देखिए, आठ घंटे में ये खाली कर सकता है। एक बी भी है, ये क्या कर रहा है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या कर रहा है, भर रहा है, मजा भर रहा है प्रति मिनट। इसका समय नहीं दे रहे कि पूरा टंकी को कितना देर में भर देगा, बल्कि एक मिनट में वो 6 लीटर भर सकता है। भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली होता है, मतलब समझिए ये अकेले चलते रहेगा तो 8 घंटे में खाली कर देगा, लेकिन भरने वाला है जो 6 लीटर प्रति मिनट भर रहा है टंकी के अंदर पानी, वो खोल दिया जाए तब जाके 12 घंटे में खाली होता है। निश्चित है खाली करने वाला केवल अकेले खोलिए तो 8 घंटे में, और खाली करने वाला तो चलिए रहा, भरने वाला भी खोल दिए तो 12 घंटे में खाली होता है। तो क्षमता निकालते हैं, 8 इधर 12 इधर, 4 दुनिया 8, 4 3 12, तो इसका क्षमता हो जाएगा कितना, 1। तो बोलिया कि सर एक अकेले क्षमता 3 है, और सॉरी यहां पर माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों स्थिति में तो खाली हो रहा है, तो दोनों ऋणात्मक लेके चलेंगे। तो जब ए और बी आया, ए और बी, एक अकेले क्षमता -3 है, मतलब एक खाली करने का क्षमता 3 है, और जब ए के साथ बी गया तो खाली करने का क्षमता -2 हो गया। अब बताइए बी जब शामिल हुआ ए के साथ तो 3 से -2 हो गया, बढ़ा कि घाटा, बोलिए, तो बोलिएगा बढ़ा, क्योंकि -3 से -2 होना मतलब एक की वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हुई किसके कारण, बी के कारण। इसका मतलब हम कह सकते हैं बी का क्षमता 1 है, और ऐसे भी बी पानी भर रहा है तो उसका क्षमता पॉजिटिव है ना होगा जी। तो यही तो पता लगाना है कि बी अकेले पूरा टंकी को कितना देर में भर सकता है। तो पूरा क्षमता किसी एक को लेकर चलिए 24, तो बी अकेले एक के क्षमता से टी, तो टी बराबर 24 घंटे, यानी हम कह सकते हैं कि बी अकेले 24 घंटे में पूरा टंकी को भर देगा। लेकिन बोल रहा है कि बी की क्षमता क्या है, मतलब टंकी की क्षमता क्या है, तो बोले सर पूरा टंकी को भर रहा है 24 घंटे में, और इसके भरने का क्षमता है 1 मिनट में 6 लीटर। तो 24 घंटा को पहले मिनट में बदलो, 60 से गुना और फिर 6 से गुना करो। अब गुना करो, 24 6 144, 14 40 गुना 6 0, 6 6 24 के 4 बचा कितना, 2, 14 6 84 और 2 86, 40 लीटर। कमाल का क्वेश्चन है, कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें नहीं मिले, यानी कि टंकी की धारिता हो गया 86 40 लीटर। और आगे देखते तो जाइए, इसी प्रकार के 3-4 क्वेश्चन और है, मजा आएगा। 86 40 लीटर है ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 45, मजेदार। दो नल ए और बी किसी हाउस को 30 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल सी, तो ए देखो 30 मिनट में भर सकते हैं, बी देखो 40 मिनट में भर सकते हैं, और सी देखो, अब सी जो है इसका भरने का कितना समय ही नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये दिया हुआ 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 घंटे में भर जाता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, कई मिनट 60 मिनट। तो बोल रहा है क्या हाउज में कितना पानी आता है, कौन बड़ा बात बोल दिया, क्षमता निकाल दो, 1/60 1/30 1/40, एलसीएम 120, 60 2 30 4 40 3। तो बोलिए सर ए बी सी तीनों का क्षमता 2 है, ए 4 है, बी 3 है, 4 3 7, तो 2 लाने के लिए 5 घटना होगा, यानी सी का क्षमता हो गया -5। तो हम लोग को हाउज की क्षमता निकालने के लिए सी कितना देर में खाली कर सकता है ये निकालना जरूरी है। किसी एक को लेकर चलेंगे 120, सी का क्षमता 5, 5 के क्षमता से टी, 5 से जैसे ही काटेंगे 24 5 120, यानी 24 मिनट में, और पूछ रहा हाउज में कितना पानी आएगा यानी धारिता। तो बोले सर 1 मिनट में 50 लीटर पानी फेंक सकता है, ये 24 मिनट में खाली कर ये रहा है, तो 1 मिनट में 50, तो 24 मिनट में 24 गुना 50, यहाँ ऑलरेडी मिनट में दिया हो तो यहाँ बदलने की जरूरत ही नहीं है, तो 24 गुना 50 यानी 1200 लीटर, यानी कि कितना पानी आएगा हौज में, 1200 लीटर। ऑप्शन मिला लो जी, 1200 लीटर हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा, 1200 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46, मजेदार। फिर से वही बोले ना कि नए सीखना चाहिए ना, दौड़ा दौड़ा के जबरदस्ती सिखाएंगे, बस एक बार आ तो जाइए हमारे पास, इसलिए बोलते हैं कि नए नए विद्यार्थियों को आप शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भटकते रहते हैं, बेचारा को 3-4 साल तो ये पता चलने में बीत जाता है कि कहाँ बढ़िया पढ़ाता है और कैसे मैथ पढ़ना चाहिए।
ठीक है ना। इसलिए धड़ाधड़ सभी के पास शेयर करिए, ये भी एक भलाई का काम है, मैं बार बार बोलूंगा। देखिए एक ही टाइप के पांच क्वेश्चन बनाएंगे ना जी, गधो बोलेगा मैथ में एकदम टाई टाई टन टन हो जाएगा, तेज हो जाएगा। आप तो इंटेलिजेंट जीनियस हैं। देखिए कितना मजा है इसमें, दो पाइप एक टंकी को 20 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं, तो पहला पाइप दूसरा पाइप तो ये भर सकता है कई मिनट में, 20 मिनट में, और ये 24 मिनट में भर सकता है। एक निकासी पाइप जिसको तीसरा हम ले लेते हैं, यह 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है, 3 गैलन, ठीक है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। अब कहता है कि जब तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो 15 मिनट, मतलब पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों को खोल दिए तो 15 मिनट में भर जाएगा। तो बोले सर क्षमता निकाल लो, क्षमता 1/15, 1/20, 1/24 LCM 120, 15 8 20 6 24 5, तो बोले सर 6 5 11 हो रहा है और ये 8 है, इसका मतलब इसका क्षमता -3। तो ये पता लगा लो ना कि तीसरा कितना देर में खाली कर सकता है। किसी एक को लेकर चलेंगे 120, तो 3 के क्षमता से T 40 दिया 120, यानी निकासी पाइप है जो 40 मिनट में खाली कर सकता है और ये 1 मिनट में 3 गैलन पानी फेंक रहा है। तो बोल रहा है टंकी की धारिता क्या है, तो बोले सर 1 मिनट में 3 गैलन, तो 40 मिनट में 40 दिया 120 गैलन, आंसर आ गया टंकी की धारिता 120 गैलन। यहाँ दो चीज सीख रहे हैं, एक चीज तो ये सीख रहे हैं कि तीसरा अकेले कितना देर में खाली कर देगा 40 मिनट में, और 1 मिनट में 3 गैलन फेंकता है तो अनपढ़ वो आदमी बता देगा कि 1 मिनट में 3 गैलन, तो ओ 40 मिनट में 40 दिया 120 गैलन आंसर हो गया, 120 गैलन है ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, दो पाइपे दो पाइपे किसी खाली टैंक को अलग अलग 24 मिनट 40 मिनट में भर सकता है तथा एक तीसरा पाइप प्रति मिनट 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपे खुले रखे जाए तो टंकी एक घंटा यानी 60 मिनट में पूरा भर जाता है। टैंक की धारिता पांच क्वेश्चन बताए हैं और एग्जाम्पल में भी बताए थे, इसलिए ही आपके लिए हम ऑफर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसका आंसर जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48 पाइप ए द्वारा एक टंकी को 2 घंटे में भरी जा सकती है, पाइप बी द्वारा 3 घंटे में, एक निकासी पाइप सी 6 घंटे में, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। खाली खाली करने वाला को निगेटिव लेके चलना है, तीनों लेके चलिए, पीछे लगभग 10 को बता चुके हैं, इसका आंसर कमेंट करिए, मजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49 कमाल का क्वेश्चन, बन तो आपको भी सकता है लेकिन हम इतना बुद्धू तो है नहीं कि सब ऑफरे दे दें, हम भी बताएंगे, बड़ा मजा आता है, देखिए कितना मजा है। कह रहा है 2 नलियां हैं, वही नल पी और क्यू, जो ये 12 घंटे में भर सकता है और ये मिनट है, कोई बात नहीं, मिनट है तो मिनट ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 15 मिनट में। तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं, 15 इधर 12 इधर, 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12, कमाल है। अब बोल रहा है क्या कि दोनों को खोल दिया जाए, 3 मिनटों के बाद पहली को बंद कर दिया गया तो टंकी को भरने में कितना समय और लगेगा। तो बोले सर किसी एक को लेकर चलेंगे, 12 5 60 या 15 4 60, दोनों खोल दिए तो 5 4 9 के क्षमता 3 मिनट चला, 3 मिनट के बाद दोनों को खोल दिए, 3 मिनट बाद पहली को बंद कर दिए तो पहली यानी 5 बंद हो गया तो बचा दूसरी यानी 4, तो 4 के क्षमता 3 मिनट और लगा, 9 3 27 इधर जाएगा तो 4T बराबर बच जाएगा 33, दैट मीन्स टी बराबर 33/4, 8 6 32, 8 पूर्णांक 1/4, 8 पूर्णांक 1/4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर हुआ, यानी 8 पूर्णांक 1/4 मिनट और लगेगा, यानी शेष भरने में 8 पूर्णांक 1/4। यदि पूछता कि पूरा टंकी भरने में कितना टाइम, पूछ सकता है, इसलिए मैं बार बार बताता हूं। तो 3 मिनट तो पहले दोनों चला था, 3 + 8 पूर्णांक 1/4, 8 3 11 पूर्णांक 1/4 होता कब, जब पूरा टंकी भरने में कितना समय, लेकिन बोल रहा और कितना समय, मतलब शेष भरने में, यानी 8 पूर्णांक 1/4 मिनट, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन और 50 कमाल का क्वेश्चन है, ए और बी 3 घंटे 5 घंटे में भर सकते हैं, ए बी ये 3 घंटे में भर सकते हैं, ये 5 घंटे में भर सकते हैं, और उसे सी जो है वो 2 घंटे में खाली कर सकता है। बोले सर पीछे तो बताए थे, तदनुसार तीनों को खोल दिया जाए तो पूरा कितना देर में, तो क्षमता निकाल लो। चलो मैं भी बताता हूँ, बीच बीच में 1/3 1/5 1/2 LCM, तो बोले सर 3 5 2 का LCM तो 30 होगा, तो 10 3 30 5 6 30 15 2 30, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस,
किसी एक को लेकर चलेंगे 30, तीनों को खोल दिया जाए तो कितना घंटा? तो बोले सर तीनों को खोलने का मतलब है 10 भरेगा, 6 भरेगा, 16, आई 15 खाली कर देगा, तो एक कितना बचेगा जी? तो एक के क्षमता से टी, यानी टी बराबर 30, मिनट है तो मिनट, घंटे है तो घंटे, 30 घंटे ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 51, मजेदार अर्धशतक। एक रिसाव से पूरा टैंक, रिसाव मतलब छिद्र से, 12 मिनट में खाली हो सकता है। यदि रिसाव ना हो तो दो पाइप ए और बी टैंक को अलग अलग क्रम से 12 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि रिसाव हो रहा हो और दोनों पाइप खुले हो तो टैंक कितने समय भरेगा? तो बोलिए सर ए बी को इधर लिखते हैं, रिसाव को इधर लिख देते हैं, रिसाव बोलिए या छिद्र बोलिए, ये 12 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, बड़ा सा रिसाव होगा, ठीक है। रिसाव ना हो तो ए और बी टैंक को अलग अलग ये 15 मिनट में भर सकता है और ये कई मिनट में, 20 मिनट में भर सकता है। तो बोले सर क्षमता निकाल दीजिए, रिसाव का भी तो एक क्षमता है, 1/15, 1/20, 1/12, 1/12 एलसीएम 60, 15 × 60, 20 × 60, 12 × 5 = 60, लेकिन इसको माइनस हम लेके चलेंगे क्योंकि रिसाव है, टंकी क्या हो रहा है खाली हो रहा है। किसी एक को लेके चलेंगे 60, ये क्वेश्चन वही है जो पीछे अभी बताया, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल दिया, लैंग्वेज में फंसते हैं लोग। देखिए क्या बोल रहा है, यदि रिसाव ना हो तो ए और बी भर सकता है, क्षमता तो निकाल ही लिए, रिसाव हो रहा हो और दोनों पाइप भी खुले हो तो टैंक, तो बोले इसका मतलब तीनों खुला हुआ, इसका मतलब 4, 3, 7 भर रहा है, 5 रिसाव हो रहा है, तो बचा कितना? तो बोले सर 2 बचा, तो 2 के क्षमता से टी, 2 से काटिए 30 मिनट में है तो मिनट, यानी रिसाव भी हो रहा है दोनों पाइप भी खुला हुआ तो 30 मिनट में, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 52, और आज के धमाकेदार क्लास, ऐतिहासिक क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है। इसके बाद एक टाइप 2 मैं सॉल्यूशन दूंगा, उसमें 66 क्वेश्चन है भाई। देखो यदि आप चाहते हो कि एग्जाम में मैथ आपसे डरे, थर थर कांपे, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन से संतुष्ट कर लेना मूर्खता होगा। इसलिए मैं हर तरह के क्वेश्चन से आप सभी को रूबरू करवाता हूं, और ऐसा आपको नहीं मिल पाएगा इतना लंबा लंबा और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इतना इजी से लेकर हार्ड लेवल तक नहीं मिल पाएगा यूट्यूब पे। इसलिए फिर से बोलूंगा, धड़ाधड़ शेयर करिए, आग की तरह फैलाइए, बहुत कम दर से शेयर हो रहा है, टारगेट को पूरा करिए। आप सभी स्टूडेंट पावर जरूर से जरूर दिखाइए, 100 के पूरा करना, आप चाहे तो 10 दिन में उड़ा सकते हो भाई, आपके अंदर इतना कैपेसिटी है। मात्र 5 बच्चा एक दिन में चाहोगे तो आप ऐड कर दोगे, तो देख लो बड़ा ही मजा है। कह रहा है क्या, दो पाइप क और ख, अब सोचिए ना, ये भी के जगह क ख लिख दिया तो कौन बड़का बात लिख दिया। किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट, क ख 36 मिनट, अभी कई मिनट है 45 मिनट, 36 मिनट 45 मिनट हो ही गया है में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप ग है, ग जो 30 मिनट में खाली करता है, क और ख को खोला जाता है, उसके 7 मिनट के बाद ग को भी खोला जाता है, टंकी कितनी देर में भरेगी? कमाल करते हैं, क्षमता निकाल लो ना जी, 1/36, 1/45, 1/30, एलसीएम 180 होगा, 36 से 5 बार में, 45 से 4 बार में, 30 से 6 बार में, ये खाली कर रहा है। किसी एक को लेकर चलें 180, अब बोल रहा है क्या कि तीनों को खोला जाता है, नहीं, क और ख को पहले खोला जाता है, उसके 7 मिनट के बाद ग को खोला जाता है। तो बोले सर पहले क और ख भरेगा, 5, 4, 9, तो 9 के क्षमता से, क्योंकि इतना ही को तो भरना है, 180 पूरा क्षमता, 180 भरना है हम लोग को, तो पहले ये दोनों चला, कई मिनट, 7 मिनट, उसके बाद ग को भी खोल दिया गया। तो बोले सर 5, 4, 9 ही भरेगा, 6 खाली कर देगा, तो यहां से इसको 3 क्षमता बच गया, 5, 4, 9 में से 6 खाली, तो 3 के क्षमता से टी मिनट, और 9 × 7 = 63 इधर आके घटेगा, तो 3t बराबर, जब 63 हम घटाएंगे तो 117 आएगा, 3 से काटेंगे 39 × 3 = 117। अब इतना तो कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा। यदि बोलता ना कि दोनों को खोला गया, 7 मिनट के बाद तीसरा भी खोल दिया गया, शेष भरने में कितना समय? तो 39 मिनट, आंसर मारिए। लेकिन यहाँ पे सीधे बोल रहा है टंकी भरने में, यानी टोटल टाइम आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम, तो बोले सर 39 मिनट तो जब आया ना, जब तीसरा भी खुल गया, इसके पहले ये दोनों भी तो 7 मिनट चला था, 39 और 7 = 46 मिनट, टकाटक, और बीबीआई क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, यानी कुल मिला के भरने में 46 मिनट, ऑप्शन मिला लो, हालांकि ऑप्शन 39 दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन, मार के आंसर गदगद हो जाओगे, लेकिन सीधे बोल रहा है कि टंकी कितने मिनट में भरेगी, मतलब पूरा, तो 39 और 7 = 46 मिनट, ऑप्शन नंबर दूसरा।
क्लियर हुआ, 52 के 52 क्वेश्चन को हिला के रख दिए। और आप सभी कैपेसिटी बरकरार रखिए, कितनों बना लीजिए, मन को मानने नहीं दीजिए और यही बोलिए इतनी जल्दी क्या, अभी तो हमने स्टार्ट किया, अभी तो धुआं धुआं करना बाकी है। धुआं धुआं उड़ाते रहिए, लगातार बने रहिए, सिलेक्शन आपके कदम चूमेगी, क्योंकि एटीट्यूड ऐसा बना, मैं बार बार बोलता हूं एक ही बात और फिर से दोहराऊंगा कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता क्यों करते हो, सिंह बनो सिंहासन की चिंता क्यों करते हो, जहां बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।